हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू यू किरोसा एकेडमी जोधपुर। किरोसा एकेडमी जोधपुर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फटाफट से जुड़ जाइए। जो आज एग्जाम हुआ है BFUHS बाबा फरीदकोट यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम का अपन यहां पे लाइव सॉल्यूशन कर रहे हैं। बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन सेशन आपके सामने होगा। जिन्होंने एग्जाम दिया है, जिन्होंने नहीं दिया है, फटाफट से जुड़ जाइए, पता चले कि किस टाइप के एग्जाम हुआ है। और जिन्होंने एग्जाम दिया है उनका यहाँ पे असेसमेंट हो जाएगा कि किस टाइप का आपका एग्जाम गया है, ताकि रिजल्ट से पहले ही आपको ओवरऑल इवैल्यूएशन हो जाएगा कि किस टाइप का आपने पेपर किया है, क्या उसका करेक्ट आंसर था और क्या उसका रॉन्ग आंसर था। फटाफट से जुड़ जाइए दोस्तों, बिना डिले के अपन लाइव सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत शानदार तरीके से आपके सामने सबसे सटीक आंसर की सबसे पहले किरोसा एकेडमी जोधपुर लेके आया है। वेलकम, बहुत बढ़िया, फटाफट से शानदार परफॉर्मेंस, जुड़ जाइए फटाफट से और फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे अपन और फटाफट आंसर आपके सामने होंगे। आपने जो आंसर किए हैं वो भी आप पुट कर दीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है। फटाफट आपके जो आंसर आएंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे आपके इवोल्यूशन के लिए। कंटिन्यू अपन एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उनका यहाँ पे सटीक आंसर आपके सामने प्रेजेंट या आपके सामने आपके आंसर आएंगे। वेरी नाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना किसी डिले के। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड करिए क्वेश्चन को, क्या आंसर दिया है आपने। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टू हैव ए रोल इन वुंड हीलिंग, यानी कि कौन सा विटामिन है मोस्टली यूजफुल होता है वुंड हीलिंग के अंदर। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के एंड लास्ट वन इज द बी कॉम्प्लेक्स। क्या करके आए हैं फटाफट से। विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस में, विटामिन के ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है, बी कॉम्प्लेक्स न्यूरोपैथी वगैरह इनमें, और विटामिन सी करेक्ट आंसर करके आए हो तो आपका यहाँ पे करेक्ट है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड मोस्टली यूज करता है किसमें, वुंड हीलिंग में। क्लियर, आंसर सी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ हैंड वॉशिंग। देखा होगा बिफोर प्रोसीजर आफ्टर प्रोसीजर मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रिवेंट करने का होता है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग इज द इंपोर्टेंट एस्पेक्ट। क्लियर, बिफोर टचिंग द पेशेंट, आफ्टर टचिंग द पेशेंट, बिफोर टचिंग द सरफेक्टेंट ऑफ द पेशेंट या साइड बेड लाइक दैट। हॉस्पिटल के अंदर अगर जब भी काम करते हैं तो हैंड वॉशिंग को मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट माना गया है। अब उसके अंदर माना है कि इंपोर्टेंट एस्पेक्ट है हैंड वॉशिंग का, क्या इसमें इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए सॉप, ऑप्शन बी वाटर, सी इज द फ्रिक्शन, डी इज द टाइम। बताइए फटाफट से, जुड़ जाइए फटाफट से, लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट। जिन्होंने एग्जाम दिया है फटाफट उनके आंसर यहां पे आपके आने चाहिए बिना किसी डिले के। आंसर की से पहले आपके सामने आंसर यहां रिप्रेजेंट होंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हैंड वॉशिंग के अंदर दोस्तों फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन अपन रब करते हैं हैंड को, वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। सॉप इंपॉर्टेंट नहीं है, वाटर नहीं, टाइम नहीं, फ्रिक्शन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट इन द हैंड वॉशिंग। करेक्ट अगर करके आए हो सी तो आपका आंसर यहां पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वीकेंड पैथोजन इनटू ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। ऑप्शन ए एटीन्यूएशन, ऑप्शन बी इम्यूनाइजेशन, ऑप्शन सी वैक्सीनेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। लाइव एटीन्यूएटेड अपन पैथोजन्स बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्लियर, और उसके कैसे पार्टिकल वीकेंड कमजोर, तो इसको अपन क्या बोलेंगे जब ह्यूमन बॉडी के अंदर अपन कर रहे हैं। देखा होगा आपने क्या बोलते हैं उसको, वैक्सीनेशन। क्लियर, करेक्ट आंसर करके आए हैं, वैक्सीनेशन तो करेक्ट है आपका। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग क्या स्टेटमेंट ट्रू है।
वैक्सीनेशन इज ए मेथड ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन इज ए मेथड ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन इज ए मेथड ऑफ आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन इज ए मेथड ऑफ नेचुरल पैसिव इम्यूनाइजेशन। बताइए क्या आंसर करके आए फटाफट से। वैक्सीनेशन कैसा है? एक्टिव इम्यूनाइजेशन होता है दोस्तों, जब वैक्सीन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। किस टाइप का वैक्सीनेशन होता है? हमेशा वैक्सीनेशन होता है एक्टिव मोड उसका, इम्यूनाइजेशन का। करेक्ट आंसर था ए, ए करके आए उनका करेक्ट आंसर है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, रीड करिए फटाफट से क्वेश्चन को। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है चारों में से? दो टाइप के होते हैं, एक होता है वाटर सोल्यूबल, एक होता है फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल होते हैं ए डी ई के, चार ही होते हैं, और वाटर सोल्यूबल जितने भी हैं रिमेनिंग वाटर सोल्यूबल होते हैं। अब क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सोल्यूबल इन द वाटर? वाटर सोल्यूबल कौन सा है? ए कैसा है? फैट सोल्यूबल। डी फैट सोल्यूबल। के फैट सोल्यूबल। लास्ट कौन बच गया दोस्तों? डी वाटर सोल्यूबल कौन सा है? ऑप्शन सी विटामिन सी, सॉरी ऑप्शन इज द डी एंड लास्ट वन करेक्ट आंसर इज द विटामिन सी इज द वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल अगर पूछते तो क्या है? ए डी ई के, चारों विटामिन है जो फैट सोल्यूबल विटामिन है। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? वाटर सोल्यूबल पूछा है तो विटामिन सी इज द वाटर सोल्यूबल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। ऑल आर मैक्रो न्यूट्रिएंट एक्सेप्ट, दो टाइप के न्यूट्रिएंट होते हैं, एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। माइक्रो यानी स्मॉल न्यूट्रिएंट जिनकी नीड कम, मैक्रो यानी लार्ज अमाउंट के अंदर नीड होती है बॉडी की। ऑप्शन ए दे रखा है प्रोटीन, ऑप्शन बी फैट, ऑप्शन सी विटामिन, लास्ट वन इज द कार्बोहाइड्रेट। यानी कि लेस अमाउंट के अंदर भी होते हैं, वो हेल्पफुल होते हैं बॉडी के लिए, पर अगर मैक्रो की बात हो रही है तो तीनों मैक्रो है एक्सेप्ट एक को छोड़ के। कौन से विटामिन को या कौन से अपन न्यूट्रिएंट को छोड़ देंगे तो अपने लिए क्या होगा? माइक्रो। तीन तो मैक्रो है, एक माइक्रो है। करेक्ट आंसर क्या है? विटामिन कैसे होते हैं हमेशा? माइक्रो न्यूट्रिएंट। फैट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आर द मैक्रो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन में कॉज, अगर बच्चों के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या कहते हैं उसको? ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स, पेलिग्रा एंड बेरीबेरी। फटाफट से बताइए क्या करके आए आंसर, क्या बोलते हैं अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए चिल्ड्रन के अंदर? पेलिग्रा विटामिन बी थ्री, थ्री डी। क्लियर? तो बच्चों के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं या कौन सी डिजीज कंडीशंस? रिकेट्स। बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल से क्वेश्चन थे और आंसर आपके सामने है, आप क्या क्या आंसर करके आए हैं वो आप पे डिपेंड है। यहाँ पे लाइव पेपर सटीक सॉल्यूशन हो रहा है, करेक्ट आंसर आपके सामने आ चुके हैं, तो फटाफट से आप आंसर भी दीजिए साथ ही साथ में। चलिए नेक्स्ट। एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ बाइल साल्ट इन द बॉडी कॉज, अगर बहुत ज्यादा बाइल साल्ट का एक्यूमुलेशन हो जाता है बॉडी के अंदर तो ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या कंडीशंस अराइज होगी? प्रूराइटिस, सोराटाइटिस, सोरियासिस एंड डर्मेटाइटिस। क्या होता है? स्किन इन्फेक्शन या इचिंग की कंडीशंस, स्किन इचिंग की कंडीशंस वहां पे अराइज हो जाती है। अपन लाइव सॉल्यूशन कर रहे हैं, सिंपल सटीक से क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर पे फोकस कर रहे हैं, डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो फटाफट से क्या होगा इसका? प्रूराइटिस या स्किन इचिंग होगी, बहुत ज्यादा बाइल साल्ट अगर बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? एक्यूमुलेशन हो रहा है, डिपोजिट हो रहा है, एक्सेस हो रहा है। तो करेक्ट आंसर ए करके आए उनका यहाँ पे करेक्ट है आंसर। चलिए नेक्स्ट। द ओनली आर्टरी विच सप्लाई डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सी बॉडी के अंदर आर्टरी है जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है? ऑप्शन ए पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन बी हिपेटिक आर्टरी, ऑप्शन सी रीनल आर्टरी, लास्ट वन इज द गैस्ट्रिक आर्टरी। बताइए दोस्तों, राइट वेंट्रिकल से निकलती है हमेशा पल्मोनरी आर्टरी, ये कैरी करती है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। सिंपल सा क्वेश्चन है, पल्मोनरी आर्टरी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन टू मोटिवेट एन एलिजिबल कपल फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस, क्या करेंगे इसका? फटाफट से दीजिए आंसर, बताइए। वेरी गुड। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बताना है, एलिजिबल कपल को बताना है, तो क्या करेंगे? ग्रुप डिस्कशन करेंगे? नहीं, ग्रुप डिस्कशन नहीं करेंगे। प्रिंटेड मटेरियल ऑन फैमिली प्लानिंग? नहीं। फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस कॉन्ट्रासेप्टिव
प्रैक्टिस एंड लास्ट वन इज द यूज ऑफ इंटरनेट नेवर, इंटरनेट का यूज वो खुद ही कर लेंगे। ऐसी कंडीशंस के अंदर हेल्थ एजुकेशन देना है तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट इन द एलिजिबल कपल फॉर द एडॉप्टन कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन ए सॉल्यूशन पीरियोडिकली टू प्री स्कूल एंड स्कूल चिल्ड्रन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ओरल जो अपन विटामिन ए का सॉल्यूशन देते हैं प्री स्कूल चाइल्ड को, वो किस टाइप का प्रिवेंशन है? चार टाइप के प्रिवेंशन होते हैं, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। फटाफट से आंसर दीजिए। ऑप्शन बी जिन्होंने किया है प्राइमरी प्रिवेंशन उनका करेक्ट है। जो विटामिन की खुराक दी जाती है बच्चों को वो किस टाइप का है? प्राइमरी प्रिवेंशन है, डिजीज होने से पहले ही। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरबॉर्न प्रिकॉशंस फॉर पेशेंट विद पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हैज टू बी टेकन अंटिल। एयरबॉर्न प्रिकॉशन अपन कब तक लेंगे? पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है उसको और ऐसी कंडीशंस के अंदर। बताइए फटाफट से, बताइए फटाफट से बताइए। एयरबॉर्न अगर हो रखा है ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को तो पल्मोनरी कंडीशंस के अंदर क्या होगा? चलिए ऑप्शन ए ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज नेगेटिव, बी इज द पेशेंट इज नो लॉन्गर हैज द डिजीज, नो ट्यूबरकल बेसिलाई प्रेजेंट इन द स्पूटम, लास्ट वन इज द पेशेंट टेम्परेचर हैज बीन रिटर्न। जब तक उसके स्पूटम के अंदर कंप्लीटली जो ट्यूबरकल बेसिलाई है नेगेटिव नहीं हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशंस में अपने को वहां तक प्रिकॉशन लेना मस्ट होता है। कुछ आंसर वहां पे आपके आंसर की अगर आई है आपने चेक कर रहे हैं तो याद रखना उसमें कुछ गलत है। अगर आप यहाँ पे जुड़े हैं तो बहुत सटीक और एक्यूरेट आंसर यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। एक्यूरेट आंसर और सटीक आंसर फटाफट से बिना आपका टाइम वेस्ट किए आप कंप्लीटली चेक कर सकते हैं आपका स्कोर इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? सी, सी इज द करेक्ट आंसर, नो ट्यूबरकल बेसिलाई प्रेजेंट इन द स्पूटम। चलिए नेक्स्ट, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कंटेंट्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ओरल फटाफट से बताइए, ओरल जो रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन अपन ORS देते हैं उसके अंदर सारे कंटेंट होते हैं एक्सेप्ट किसको छोड़ के कंटेंट होते हैं? बताइए फटाफट से, फटाफट से बताइए। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड एंड लास्ट वन इज द कैल्शियम लैक्टेट। दोस्तों करेक्ट आंसर जाएगा कैल्शियम लैक्टेट। कैल्शियम लैक्टेट ORS के अंदर नहीं होता है तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट पूछा है तो एक्सेप्ट क्या है? कैल्शियम ग्लूकोनेट, सॉरी कैल्शियम लैक्टेट। यहाँ पे ग्लूकोज होता है, बाइकार्बोनेट सोडियम क्लोराइड होते हैं पर कैल्शियम लैक्टेट नहीं हो रहा, यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा है। अगर आप गलत करके आए हो तो भी यहाँ पे चेक कर लीजिए। वेरी गुड, गुड इवनिंग श्वेता, गुड इवनिंग सर। डी ए नहीं, ग्लूकोज होता है। बाबा फरीदाबाद फरीदकोट यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का जो एग्जाम था आज का उसका लाइव पेपर यहाँ पे सॉल्यूशन हो रहा है। 150 क्वेश्चन फटाफट से बिना आंसर की आए आपके सामने है, आप इसको असेस कर सकते हैं जिन्होंने स्टूडेंट्स ने ये एग्जाम दिया है, आज का पेपर है। चलिए अगर आपके रॉन्ग हुए हैं क्वेश्चन आंसर की से तो उसमें आपको क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है, मेट्रोनिडाजोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस। बहुत सिंपल पेपर था, बहुत सटीक आंसर आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो रहे हैं, बहुत शानदार आंसर है और शानदार क्वेश्चन। मेट्रोनिडाजोल कब यूज करते हैं? ऑप्शन ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, एनएरोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, लास्ट वन इज द एरोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन। करेक्ट आंसर है दोस्तों एनएरोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर हमेशा मेट्रोनिडाजोल ड्रग का यूज किया जाता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर उसके आगे एनएरोबिक यहाँ पे भी दिया है तो हमेशा याद रखना है मेट्रोनिडाजोल का यूज किसमें किया जाता है? एनएरोबिक बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है उसके अंदर मेट्रोनिडाजोल का यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज द सी। चलिए द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर जीआरडियासिस, जीआरडियासिस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? करेक्ट आंसर आ ही गया है मेट्रोनिडाजोल, चॉइस ऑफ ड्रग है क्या है? मेट्रोनिडाजोल। करेक्ट, जीआरडियासिस जीआरडिया लैम्बिया जो डिजीज कॉज करता है उसके अंदर मेट्रोनिडाजोल को दिया जाता है, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए ऑल आर बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एक्सेप्ट, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का क्वेश्चन आया है। बैरियर मेथड है तीन एक्सेप्ट एक को छोड़ के, मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम, डायफ्राम, ये तीनों ही कैसे हैं बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव? एक्सेप्ट कौन सा है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। तो मालाडी इज द करेक्ट आंसर, डी
जो डी करके आए हैं उनका आंसर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, कैरियर आर मोस्ट डेंजेरियस देन केस बिकॉज कैरियर जो कैरी करते हैं डिजीज को पैथोजेंस को मोर डेंजेरियस होते हैं देन केस। केस के अंदर साइन सिम्टम अपने को डायरेक्टली दिख जाते हैं पर कैरियर के अंदर नहीं दिखते, डेंजेरियस होते हैं। क्यों? इंक्रीज विरुलेंसी, इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ डिजीज, मोर इन्फेक्शियस, इनफेक्ट मोर पीपल। क्या करेक्ट आंसर है? वेरी गुड, डी इज द करेक्ट आंसर है। कैरियर कितने भी लोगों को कर सकता है इन्फेक्ट, कोई वहां पे फिक्स नहीं है, जो भी उसके संपर्क में आएगा वो उससे इन्फेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, डी इज द करेक्ट आंसर, डी दिया है उनका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ए चाइल्ड विद रेस्पिरेटरी इनसफिशियंटी इज सफिशियंसी इज बेस्ट मॉनिटर्ड विद। अगर चाइल्ड के अंदर रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी हो रही है वहां पे तो हमेशा याद रखा जाता है, क्या एक्यूरेट माना जाता है, प्रायोरिटी एबीजी आर्टीरियल ब्लड गैसेज को वहां पे एक्यूरेसी माना जाता है। तो यहाँ पे ब्लड गैसेज, यहाँ पे एक्यूरेसी है। आंसर की के अंदर सी दिया है वो गलत है, पल्स ऑक्सीमीटर उसके बाद में है, ये यहाँ पे गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बी जो करके आए हैं उनका सही है। अगर आंसर की में भी दे रखा है तो बोनस मिलेगा आपको डेफिनेटली। क्लियर, बोनस का क्वेश्चन है आर्टीरियल ब्लड गैसेस को रिलायबल माना जाता है हमेशा, रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी हो रही है तो O2 CO2 pH वगैरह वहां पे मॉनिटर किया जाता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, व्हेन द नर्स इज इंसर्टिंग ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब ऑन द टॉडलर विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रेंट्स वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइव क्लास प्रीवियस के अंदर भी ये चीज बहुत जल्दी आपने अगर देखी होगी तो आपको मिला होगा। जब छोटे बच्चे होते हैं उनको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाली जाती है तो मोस्टली जो ओरल फेशियल जो कैविटी है वहां पे जो परफॉर्मेंस की जाती है वहां पे हमेशा याद रखना मम्मी रेस्ट्रेंट किया जाता है, कंप्लीटली बॉडी को बांध दिया जाता है ताकि जो एक्सट्रीमिटीज है लिम्ब्स है उनको मूव नहीं किया जाता है। मम्मी रेस्ट्रेंट जिन्होंने किया है ए इज द करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन सिंपल सी टर्म है, नोजोकॉमियल इन्फेक्शन बोलते हैं, कंटाजियस इन्फेक्शन नहीं है, अपॉर्चुनिस्टिक भी नहीं है, वाटरबॉर्न भी नहीं है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो इन्फेक्शन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? डी नोजोकॉमियल इन्फेक्शन आल्सो नोन एज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। वेरी गुड, फैमिली प्लानिंग रेफर टू प्रैक्टिस दैट, फैमिली प्लानिंग को अपन क्या बोल सकते हैं? प्रैक्टिस दैट, फटाफट से बताइए। अवॉइड अनवांटेड बर्थ यस, bring about wanted birth yes, regulate spacing between pregnancies yes, all of the above correct, simple सा question है। अगर family planning को अपन पहले ही perform करते हैं, maintain करते हैं, very good श्वेता, correct, D answer is the correct। अगर आपने exam भी नहीं दिया है तो आप आराम से इस session को देख सकते हैं, continue बाद में भी देख सकते हैं किस प्रकार का जो time वहां पे 3 घंटे के अंदर consume हुआ है और किस type के questions आए हैं ताकि आपकी हेल्प हो जाएगी। 150 क्वेश्चन आपके एज इट इज इंपॉर्टेंट। ये मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए करा रहा हूं क्योंकि बच्चे वेट कर रहे हैं और बच्चे वेट कर रहे हैं तो उनको ये लग रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा ताकि वो अपने टिक वहां पे लगा रहे हैं, इसलिए क्लियर। चलिए नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इज, कभी भी कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आता है तो सबसे पहले क्या करते हैं? उसका असेसमेंट डाटा कलेक्ट किया जाता है। तो असेसमेंट जो फेज होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, उसके बाद में इवाल्वेशन प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन बाद की बात होती है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? असेस किया जाता है पेशेंट का डाटा क्लियर, उसकी हिस्ट्री टेकिंग की जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या था? बी, सिंपल श्वेता जी, डी नहीं, इंप्लीमेंटेशन बाद की बात होती है, पहले पता ही नहीं लगा है उसको हुआ क्या है। चलिए नेक्स्ट, द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट प्रिविलेज इंफॉर्मेशन इज, यानी कि जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेटी होती है उनको हमेशा क्या करना होता है? प्रिविलेज करना होता है, उसको मॉरल्स नहीं बोलते, इथिक्स नहीं, ऑनेस्टिटी नहीं, कॉन्फिडेंशियली डाटा होते हैं उनको हमेशा कैसे रखना चाहिए? कॉन्फिडेंशियली। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या था? डी। चलिए नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट द पर्सन पर्सनल स्पेस द नर्स, यानी कि पेशेंट को पर्सनल वहां पे स्पेस प्रोवाइड करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो क्या बोलते हैं उसको? क्या करना चाहिए? अवॉइड कम्युनिकेशन नहीं, एंश्योर द कर्टेन पुल्ड अराउंड पेशेंट बेड नहीं, स्टैंड 2 मीटर अवे फ्रॉम बेड नहीं,
मोस्टली होता है, अगर पूछते तो 18 इंच तक वहां पे डिस्टेंस मेटर कर सकते हैं। एक्सप्लेन नर्सिंग केयर एंड प्रोसीजर, यस करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, डी। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज सब्जेक्टिव डाटा, एक होता है ऑब्जेक्टिव डाटा, एक होता है सब्जेक्टिव डाटा, एक होता है ऑब्जेक्टिव डाटा, एक होता है सब्जेक्टिव डाटा। अब यहां पे क्या पूछा है, सब्जेक्टिव डाटा क्लासिफाइड कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज सब्जेक्टिव डाटा, किसको बोलोगे सब्जेक्टिव डाटा को। ऑप्शन ए पेशेंट एपियर स्लीपी, ऑप्शन बी नो डिस्ट्रेस नोटेड, हार्ट रेट इज 76 बीट पर मिनट, एंड लास्ट वन इज द क्लाइंट सेज सी फील एनॉक्सियस एंड टेंस। तो डी इज द सब्जेक्टिव डाटा है, पेशेंट बता रहा है, पेशेंट सेज, जो डायरेक्ट पेशेंट बोल रहा है। ऑब्जेक्टिव का मतलब अपन जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व करने वाले ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव कौन बताता है पेशेंट, जो पेशेंट बात बताता है वो कैसी है सब्जेक्टिव, सिंपल। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन कब होगा, जब कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या होगा थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगा। डायबिटीज मेलाइटस से भी नहीं होता, रीनल फेलियर से भी नहीं होता, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट ब्रेन के अंदर होता है, पर मोस्ट कॉमनली कंडीशन पूछी है MI की, MI कब होगा, जब कोरोनरी आर्टरी क्या हो जाएगी ब्लॉकेज हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर इज द ए, कोरोनरी आर्टरी के अंदर ही थ्रोम्बस बन गया है, ब्लड का क्लॉट बन गया है, तो उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस। वेरी गुड, फटाफट चलिए नेक्स्ट, द प्राइमरी एम टू ट्रीटमेंट इन हार्ट फेलियर, अगर किसी पेशेंट का हार्ट फेल हो गया है तो ऐसी कंडीशंस में अपना प्राइमरी डाटा क्या होना चाहिए या प्राइमरी एम क्या होना चाहिए, वहां पे प्राइमरी उद्देश्य क्या होना चाहिए। हार्ट फेल हो गया है तो हार्ट के अंदर ब्लड आना भी कम चाहिए और दूसरी कंडीशन के अंदर प्रेशर से ब्लड जाना भी कम चाहिए। सिंपल सा है, ऑप्शन ए क्या दे रखा है, इंक्रीज द वर्क ऑफ द हार्ट, नहीं डायरेक्ट गलत है, रिड्यूस द वर्क ऑफ द हार्ट प्री लोड एंड आफ्टर लोड, यस। Reduce the work of the lungs, कोई मतलब नहीं है, reduce the glomerulus filtration, किडनी से भी कोई रिलेशन नहीं है। हार्ट के अंदर प्रीलोड और आफ्टर लोड को हमेशा रिड्यूस करना है अगर पेशेंट को क्या हुआ है हार्ट फेलियर की कंडीशन हुआ है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, रिड्यूस करना है अपने को क्या प्रीलोड और आफ्टर लोड, अगर ऐसी कंडीशन करेंगे तो हार्ट को भी वहां पे क्या होगा रेस्ट मिलेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपकमिंग के लिए भी कंटिन्यू, आज तो पूछा ही है, नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछेंगे। सीजेशन ऑफ द ब्रीथिंग फॉर ए शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड के लिए सीजेशन हो गई है, ब्रीथिंग हॉल्ड हो गई है, क्या बोलोगे उसको, डिस्पनिया डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ऑर्थोपनिया जब स्टैंडिंग कंडीशंस में होता है, एपनिया, एपनिया इज द करेक्ट, ब्रेडिपिनिया नहीं, क्या बोलते हैं उसको एपनिया, सीजेशन ऑफ द ब्रीथिंग शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, वेरी गुड करेक्ट सी, एपनिया इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, मिडवे थ्रू ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन ए पेशेंट कंप्लेंट ऑफ सीवियर बैक, व्हाट शुड द नर्स डू, इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग एग्जाम आल्सो। एक पेशेंट को बीटी चल रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, तो ऐसी ट्रांसफ्यूजन के अंदर पेशेंट क्या कंप्लेंट कर रहा है, बैक पेन हो रहा है, क्या अपने को फर्स्ट करना है नर्स को, नर्सिंग ऑफिसर को, रीअश्योर द पेशेंट एंड कंटिन्यू द इन्फ्यूजन, ऑप्शन बी स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन एंड टेक वाइटल साइन इन्फॉर्म द नर्स इंचार्ज, ऑप्शन सी स्पीड अप द ट्रांसफ्यूजन टू कंप्लीट द क्विकली एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक टू मेक द पेशेंट डिस्कम्फर्ट। हमेशा याद रखना है दोस्तों, अगर कोई भी ब्लड से रिलेटेड वहां पे पेशेंट कंप्लेन कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में हमेशा सबसे पहले क्या करना है, ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना होता है, ताकि कोई भी एनाफाइलेटिक रिएक्शन वहां पे नहीं होती है। ब्लड को स्टॉप करके अगर वहां पे कोई हेल्थ केयर पर्सन है, डॉक्टर फिजिशियन या नर्सिंग ऑफिसर इंचार्ज, तो उनको यहाँ पे इन्फॉर्म करना है फर्दर मैनेजमेंट के लिए, ऐसा नहीं करना है कि वहां उसको फास्ट करना है, ब्लड को फास्ट किया तो और ज्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। करेक्ट आंसर क्या है, बी स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन एंड टेक वाइटल साइन इन्फॉर्म द नर्स इंचार्ज, और उसके वाइटल साइन को तुरंत लेना है कि क्या क्या अल्ट्रेशन हुआ है, और उसके बाद में स्टॉप करना है ब्लड को इमीडिएटली। चलिए नेक्स्ट, द 3 PS ऑफ पेन मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट के लिए PS जो 3 है क्या क्या है, क्या 3 P है, पोस्टर फिजियोलॉजिकल केयर एंड फार्मेकोलॉजिकल, फिजिकल केयर फिजियोलॉजिकल और पोजीशन, फिजिकल केयर फिजियोलॉजिकल केयर एंड फार्मेकोलॉजिकल, फिजिकल केयर साइकोलॉजिकल केयर एंड फार्मेकोलॉजिकल, क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए, फटाफट से बताइए दोस्तों, फटाफट से आंसर बताइए क्या होगा।
थ्री पी मैनेजमेंट आर, फटाफट से आंसर आपके आने चाहिए शानदार तरीके से, आप एग्जाम देके आए हो, फटाफट से बताइए। चलिए, फिजिकल केयर, साइकोलॉजिकल केयर एंड फार्माकोलॉजिकल केयर इज द डी इज द करेक्ट आंसर। जो डी करके आए हैं उनका आंसर यहां पे करेक्ट है थ्री पीएस के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट। इन्फेक्शियस एजेंट, इन्फेक्शियस एजेंट क्या होते हैं? बायोलॉजिकल एजेंट दैट कॉज डिजीज और इलनेस टू देयर होस्ट, न्यूक्लियर एजेंट दैट कॉज डिजीज और इलनेस टू देयर होस्ट, बायोलॉजिकल एजेंट दैट डू नॉट कॉज डिजीज और इलनेस टू देयर होस्ट, न्यूक्लियर एजेंट दैट डू नॉट कॉज डिजीज और इलनेस टू होस्ट। बताइए फटाफट से। तो क्या होते हैं ये? बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, डिजीज और इलनेस टू देयर होस्ट, उनको बोलते हैं इन्फेक्शियस एजेंट, यानी कि वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस, शानदार परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपी इज इंप्लीमेंटेड टू, पीपी को किस पे इंप्लीमेंट किया जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है पीपी से रिलेटेड। चलिए, प्रोटेक्ट पेशेंट फ्रॉम रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, नहीं, प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर्स एंड पेशेंट फ्रॉम रिस्क टू इन्फेक्शन, यस बी यहाँ पे आ ही चुका है, प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर फ्रॉम रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। एंड लास्ट वन इज द प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर एंड पेशेंट फ्रॉम रिस्क ऑफ रेडिएशन, नहीं, क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हेल्थ केयर वर्कर खुद को एंड पेशेंट को रिस्क ऑफ इन्फेक्शन से। क्या पहनते हैं? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। कोविड के अंदर देखा होगा पीपीई किट बहुत ज्यादा पहने हुए आपने देखे होंगे हेल्थ केयर वर्कर को। चलिए, विथ यूजुअली रेयर कैंसर इज एसोसिएटेड विथ एचआईवी, एचआईवी के साथ में क्या होता है, लीजन का फॉर्मेशन भी हो जाता है, तो कौन सा मोस्टली कैंसर होता है, कैपोसी सार्कोमा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तीन बार आ चुका है मेन एग्जाम में भी, आज भी आ गया है आज के पेपर में भी। चलिए, कैपोसी सार्कोमा होता है जिसके अंदर जो लिम्फ नोड है, म्यूकस माउथ है और उसके म्यूकस मेम्ब्रेन है, वहां पे क्या हो जाते हैं, लीजन, लीजन बन जाते हैं। तो क्या रिप्रेजेंट करता है, कैपोसी सार्कोमा, किसके साथ में होता है, एचआईवी के साथ में। करेक्ट आंसर इज द डी। चलिए नेक्स्ट, द बटरफ्लाई रेस ऑटोइम्यून डिजीज है, often seen in some people with systemic lupus erythematosus found in, यानी कि autoimmune disease है, जो tissue है वो क्या है, self ही attack करते हैं immune system पे, autoimmune disease, ऐसी conditions के अंदर सबसे पहले face पे, neck, nose पे rashes सबसे पहले देखने को मिलते हैं, back पे नहीं, leg पे नहीं, face पे नहीं, हाँ sorry face पे, neck बताया तो गलत है, face पे यहाँ पे बताया मैंने, सबसे पहले फेस पे देखने को मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, सी, फेस पे, यानी कि नोज पे सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, सबसे पहले अपीयर होते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, सी, फेस, जिन्होंने फेस किया है उनका आंसर करेक्ट है। बटरफ्लाई रेसे सबसे पहले सिस्टमिक ल्यूपस इरिडोमेटस ऑटोइम्यून डिजीज में सबसे पहले कहां पे देखने को मिलते हैं, फेस के ऊपर, सी यहां पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, अस्थमा कैन बी ट्रिगर्ड बाई, अस्थमा सबसे ज्यादा कैसी कंडीशंस में हो सकते हैं, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, हाउस डस्ट माइट, इमोशनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, इमोशनल फैक्टर ओनली, एनवायरमेंटल फैक्टर ओनली। ये अस्थमा किससे ट्रिगर्ड हो सकता है, इमोशनल कंडीशंस में भी हो सकता है और एनवायरमेंटल फैक्टर भी वहां पे रेस्पॉन्सिबल है, क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड कर सकते हैं ब्रोंकस को, अगर इमोशनली ज्यादा है ऐसी कंडीशंस में, और एनवायरमेंटल के अंदर तो पोलन या फिर जो भी डस्ट है या जो एलर्जी है ऐसी कंडीशंस के अंदर बहुत ज्यादा फैल सकता है, ट्रिगर्ड हो सकता है, क्या, अस्थमा, बी करेक्ट आंसर है जो करके आए हैं। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर, नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है 5 to 15 mm ऑफ एचजी, अगर इंट्राओक्युलर पूछते तो 10 to 21 टोनोमीट्री से मीजर करते हैं, यहाँ पे क्या पूछा है, इंट्राक्रेनियल आईसीपी, सिंपल सा 0 to 15, 5 to 15 यहाँ दे नहीं रखा है, 25 नहीं है, 35 नहीं है, ये बीपी है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, व्हेन ए पेशेंट हु हैज नॉन एंजाइना फैक्टोरिस कंप्लेंट दैट हैविंग चेस्ट पेन मोर ऑफन इवन व्हेन ही इज रेस्टिंग, द पीरियड ऑफ पेन इज लॉन्गर एंड टेक्स लेस स्ट्रेस फॉर द पेशेंट हैपन, तो क्या बोलते हैं उसको, अनस्टेबल एंजाइना रेस्टिंग कंडीशंस के अंदर होता है सबसे ज्यादा, रेस्टिंग कंडीशंस में भी वहां पे क्या है, एंजाइना, एंजाइना अलग अलग
टाइप के प्रिज मेटल स्टेबल अनस्टेबल वेरी गुड श्वेता करेक्ट आंसर बी अनस्टेबल एंजाइना वेरिएंट नहीं होगा रेफ्रेक्टरी नहीं रिट्रैक्टेबल एंजाइना भी नहीं बी अनस्टेबल एंजाइना इज द करेक्ट व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट फॉर आयरन स्टोर के लिए कौन सा टेस्ट करता है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ पे डबल स्टार लगा रहा हूँ फॉर अपकमिंग एग्जाम के लिए सीरम कैल्शियम सीरम फेरिटिन सीरम आयरन नन ऑफ द अबव फटाफट से आंसर दीजिए क्या होता है आयरन के लिए वेरी गुड सीरम फेरिटिन को वहां पे हमेशा असेस किया जाता है ब्लड के अंदर आयरन स्टोर कितना है सिंपल सा क्वेश्चन है चलिए कुछ लोग सीरम आयरन करके आए हैं वो गलत है सीरम कैल्शियम भी गलत है नन ऑफ द अबव भी नहीं है चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट एप्रोप्रिएट फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर ए पर्सन विद प्राइमरी जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक सीजर ये क्वेश्चन सेशन आपको करवाएंगे हमारे एमएसएन के एक्सपर्ट हार्दिक सर तो फटाफट से आप कंटिन्यू बने रहें अपने आंसर को दीजिए और आज का इवैल्यूएशन करिए बहुत शानदार सेशन हुआ है इस सेशन में किसी भी प्रकार को आपको डाउट है तो बता दीजिए आंसर की आपकी आई है उसमें कुछ गलत है वो यहाँ पे सही हो जाएंगे अगर गलत है तो उसका आपको बोनस भी मिल जाएगा चलिए फटाफट से बने रहिए किरोसा एकेडमी के साथ में वेलकम हार्दिक सर नमस्कार सभी का एक बार फिर से स्वागत है किरोशा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका मेंटर हार्दिक चौहान आपके साथ जुड़ चुका हूं अभी जस्ट आपका पेपर हुआ था जस्ट बिल्कुल आपका आज पेपर हुआ है बाबा फरीद हेल्थ यूनिवर्सिटी का बाबा फरीद BHUHS बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का पेपर हुआ है जी बिल्कुल जो कैंडिडेट हमारे पंजाब बठिंडा से रेगुलरली क्लास अटेंड कर रहे थे देख रहे थे क्या सर क्या एग्जाम में कैसा आएगा काफी स्ट्रेसफुल कंडीशन में थे बहुत ही अच्छा पेपर इजी पेपर था काफी बेसिक पेपर था जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस लेवल का पेपर नहीं था बड़ा इजी अच्छा पेपर आया जो काफी शानदार रहा आप सभी के लिए आई होप बहुत अच्छा स्कोर क्रेक किया होगा क्योंकि मैं अभी श्योर बोल रहा हूँ आपको कि मेरिट बहुत ही अच्छी जाने वाली इस पेपर की 70-80% लगभग 70-65 से 70 तक मेरिट इजीली जाएगी कि बहुत अच्छा पेपर था डिपेंड करता है आप क्या करके आए कितना अच्छे से पेपर करके आए बहुत ही अच्छा पेपर था जैसा कि आपने आगे के आप टोटल 140 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं जिसमें आपने 90 क्वेश्चन तक 50 से 90 क्वेश्चन तक आपने लक्ष्मण सर के साथ लिए आई होप आपको क्लियरिटी बनी होगी आंसर की आना शुरू हो गई है बच्चों की धीरे धीरे पर देखा गया काफी क्वेश्चन गलत भी आपको मिल सकते हैं तो मैं आपके लिए हमारी टीम आपके लिए लेके आई है एक्यूरेट सॉल्यूशन एक्यूरेट लगभग ऑलमोस्ट परफेक्ट सॉल्यूशन हम निकाल के लेके आए हैं आपका बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का तो ठीक है बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन जो हमें करना है डील तो आई होप आप सभी का पेपर बहुत अच्छा रहा होगा तो शुरू करते हैं अभी क्वेश्चन नेक्स्ट क्या हमारे साथ यस तो क्वेश्चन हमको पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट पर्सन विद द टॉनिक क्लोनिक सीजर सीजर का क्वेश्चन मैंने आपको दो दिन पहले ही क्लास में बताया था सीजर की भी बताया था मैंने टॉनिक क्लोनिक सीजर हो गया पेटेटनल सीजर हो गया साइलेंट सीजर हो गया है ना जनरलाइज सीजर सारे ही सीजर ग्रैंड मिल सारे सीजर के बारे में बताया था जिसके अंदर मैंने आपको बोला था कि टॉनिक क्लोनिक जो सीजर होता है टॉनिक क्लोनिक सीजर जो था उसके अंदर सोडियम वाल्पेरेट हमारा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होगा फेनिटोइन भी आपको दे रखा था डाइजीपाम भी दे रखा था डाइजीपाम मिडाजोलम मैंने आपको बताया था स्टेटस एपिलेक्टस हो जाता है यानी कंटिन्यू सीजर के दौरे आते रहते उसमें हमको देना था जी बिल्कुल कंटिन्यू अगर सीजर आते हैं उसके अंदर हमको देना था पर यहाँ पे हमको क्या टॉनिक क्लोनिक पूछा है तो आपका परफेक्ट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा सोडियम वाल्पेरेट जाएगा क्लियर है कोई डाउट नहीं बिल्कुल चलो तो आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ क्या था व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग पेन लाइक इंसुलिन डिलीवरी डिवाइस आजकल नए डिवाइस आए पेन लाइक है ना पेंसिल की टाइप होते हैं आप जस्ट उसको सबक्यूटेनियसली प्रेस करिए और क्या हो जाएगा सबक्यूटेनियसली प्रेस करेंगे और आपको क्या होगा इंजेक्ट हो जाएगा तो वो डिवाइस अगर आप यूज करें तो क्या एडवांटेज है ऐसा क्यों हो रहा है शॉर्टर इंजेक्शन टाइम एक्यूरेट डोज डिलीवरी लोअर कॉस्ट विद द रीयूजेबल इंसुलिन कार्टिलेज यूज ऑफ स्मॉल देखो स्मॉल नीडल आपको कहीं और भी मिल सकती है दूसरी काफी आती है लोअर कॉस्ट नहीं होता है कॉस्टली होता है हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता मोस्टली जो रिच पीपल होते हैं वो ही इसको अफोर्ड कर पाते हैं मोस्ट कॉमनली इजिली नहीं होता है एक्यूरेट डोज डिलीवरी या शॉर्टर इंजेक्शन यहाँ पे क्या करना था आपको बी करके आना था एक्यूरेट डोज डिलीवरी मिलती है इसमें जितना आप दोगे 0.5 दोगे तो 0.5 जाएगा 0.3 दोगे तो 0.3 जाएगा प्री लोडेड होता है एग्जैक्ट एक्यूरेसी रहती है इसका चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है फटाफट से देखिए क्वेश्चन क्या है आपके सामने जी जी बिल्कुल वेरी गुड श्वेता सी वेरी नाइस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गोइटर
वो हीटर पूछ लिया जी, बताइए बेसिक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, जम के नंबर लाने, जम के, है ना, आनंद आ गया होगा सभी को। जो पढ़ाया जितना आयोडीन डेफिशिएंसी, आयोडीन एक्सेस से कॉल्सी और कर इंसुलिन डेफिशिएंसी, बिल्कुल सारे ऑप्शन रिलेवेंट है, सारे एक्सेस तो आएगा ही नहीं, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या, डेफिशिएंसी से होता है, बिल्कुल आयोडीन की डेफिशिएंसी से। कुछ नहीं करना था, सिंपल मजेदार पेपर था, डेफिशिएंसी देखना था और टिका देना था आंसर। आई होप आप सभी को बड़ा ही आनंद आएगा पेपर देख के, क्योंकि जो पढ़ के गए हैं वो ही आया है, कुछ नया लाने की जरूरत नहीं थी। बेसिक हम इसलिए रेगुलर बोलते हैं, आप सिर्फ रेगुलर क्लास अटेंड करिए। कई बच्चे बोलते हैं सर क्वेश्चन इजी था, हार्ड था, कुछ इजी हार्ड नहीं होता, सब अच्छा होता है, क्योंकि आप सोचते हैं ना कि सर कैसे क्वेश्चन आते हैं, बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप सोचते हैं तो बड़ा सा माहौल बना के जाते हैं, और क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऐसे सिंपल से, हर कोई क्वेश्चन सिंपल नहीं होता, डिफिकल्ट हो जाते हैं एक बार। जैसे ये क्वेश्चन, व्हाट आर द लेंथ ऑफ द कैथेटर ट्यूब शुड बी इंसर्टेड इन द रेक्टम, ठीक है, टू गिविंग द एनिमा विद द एडल्ट पेशेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। अब इसमें आपको पता था 3 से 4 इंच याद करा था, किसमें याद किया था, इंच में याद किया था, तो आपको पता होगा अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना जाएगा, हमारे पास 7.5 से 10 सेंटीमीटर तक ही इंसर्ट करते हैं, बिल्कुल ए। इंच में पूछा था बच्चे, इंच में पूछा था जी, बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या जाएगा, फटाफट से आंसर कर लीजिए, सी आंसर इसका करेक्ट जाएगा ना, बिल्कुल जी हाँ, सी जाएगा, 3 से 4 इंच। आगे भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आगे भी कभी एग्जाम में देखने को मिले तो आप क्या करके आएंगे, सी करके आएंगे, क्या करके आएंगे, सी करके आना है, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सी करके आना है। क्यों करके आना है, क्योंकि इंच में कितना, 3 से 4 होगा, सेंटीमीटर में 7.5 से कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, इज दैट क्लियर, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल सी, वेरी गुड बच्चों, शाबाश, वेरी सी आंसर इसका करेक्ट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीडोप हेपरिन, ये फिर से आ गया, कहा था ना तुम मुझे कितना ही रोको मैं रुकूंगा नहीं, आऊंगा बार बार आऊंगा, हर बार आऊंगा आपके सामने, एक बार फिर आ चुका हूं, कंफ्यूजन छोटा सा है बच्चों ने, कई बच्चों के क्वेश्चन थोड़ा सा रश एंड रफ, रश एंड रफ, ये क्या होता है, जो कुछ होते ना गाड़ी बड़ी तेज चलाते तो एक्सीडेंट भी चांस होते, एक्सीडेंट कई बच्चों को हो गया है। सर जल्दबाजी में पोटेशियम प्रोटामिन की जगह क्या करके आ गया हूँ, पोटेशियम सल्फेट करके आऊ, गलत है भैया, बिल्कुल मेरे नुल्ले, मेरे बेटे, गलत है ये, पोटेशियम सल्फेट आएगा, क्या आएगा बच्चों, पोट्रामिन सल्फेट आएगा, पोटेशियम नहीं आएगा, है ना मुन्ना राम, पोटेशियम सल्फेट नहीं आएगा, आएगा प्रोटामिन आएगा, प्रोटामिन आएगा, बिल्कुल विटामिन के अगर पूछा गया होता तो आप क्या करते हैं, वारफरिन करके आते हैं। बेसिक क्वेश्चन हर बार आता है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्या कर दिया, ऑप्शंस में गड़बड़ी कर दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ द लेफ्ट, इफ अनट्रीटेड वुमेन, इफ द लेफ्ट अनट्रीटेड वुमेन क्लाइमेडिया कैन लीड, क्लाइमेडिया से इन्फेक्टेड है, उसका ट्रीटमेंट ही नहीं कर रहे हैं जो हमारे रूरल एरियाज में होता है, तो क्या पे कन्वर्ट हो सकता है, आगे क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, या यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, क्या हो सकता है, क्या कर क्या है। देखो यार इतने मजेदार क्वेश्चन, अगर फिर भी अगर नंबर नहीं आ रहे ना तो इशू है हमारे पढ़ने में, हम सही जगह से नहीं पढ़ रहे हैं, हम सही लोग से नहीं पढ़ रहे हैं, हम प्रॉपर नहीं पढ़ रहे हैं, दिक्कत हमारे क्वेश्चन हमारे स्टडी में नहीं है, हम गलत जगह पे हैं, गलत तरीके से पढ़ रहे हैं। इम्प्रूव योर नॉलेज के लिए क्या करना है, प्रॉपर नॉलेज चाहिए, ऑथेंटिक नॉलेज चाहिए, परफेक्ट चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्या, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज भाई बिल्कुल क्यों होगा, हेपेटाइटिस क्यों होगा, यूरिनरी फाइब्रॉइड्स क्यों होगा, तो बची क्या गया, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ही होना था, एलिमिनेशन मेथड इजी था, क्योंकि इस पेपर में देखा गया है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के, कि जिस बच्चों को एलिमिनेशन आता या डायक आता था वो बिल्कुल बच्चे ने एक एक घंटे डेढ़ घंटे पेपर कंप्लीट कर लिया। रीजन क्या था, पेपर अच्छा था, क्वालिटी का पेपर बोल सकते हैं, क्योंकि बेसिक सी चीजें थी, जो इसका बेसिक कंप्लीट उसको कोई इशू नहीं, काफी हाई फाई पढ़ाया गया, बिल्कुल मैं बोल रहा था आपको बेसिक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, चलो पहले आपका बेसिक फॉर्मली फंडामेंटल क्लियर होगा, आपको आगे इशू नहीं आएगा। देर इज नो क्योर फॉर इस्टीमा, सो ट्रीटमेंट एम्स टू इस्टीमा, पता है आपको स्किन का इन्फेक्शन होता है, बिल्कुल है ना, तो उसको तो क्योर तो नहीं किया जा सकता। क्रॉस इन्फेक्शन होता है, बिल्कुल होगा, क्रॉस इन्फेक्शन को इशू, जिसको हो गया उसको होता रहेगा। कंट्रोल और इज द सिम्टम, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, एंकरेज द टिश्यू रीजनरेशन, देखो एंकरेज टिश्यू रीजनरेशन करते हैं, बट इसमें प्रायोरिटी वाइज क्या देखा जाएगा, सबसे पहले तो क्या करते हैं हमेशा, प्रायोरिटी क्या होती है, अगर अपेंडिसाइटिस का या कोई भी पेशेंट आ जाता है, सबसे पहले क्या पेन मैनेजमेंट या प्रायोरिटी सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होता है, तो इस चीज के अंदर क्या बहुत इंटेंस इचिंग होती है, क्या होती है इंटेंस इचिंग, ठीक है, तो इंटेंस इचिंग को कंट्रोल सबसे पहले करेंगे, तो कंट्रोल और इज द सिम्टम करेंगे, बी आंसर सही होगा।
कई जने डी करके आए, डी नहीं है और एग्जामिनर ने आई थिंक बी ही मानेगा आंसर को, बी ही करेक्ट होगा, डी नहीं जाएगा। एंकरेज टिश्यू जनरेशन की बात की चीज है, आप इन्हें टिश्यू को क्या इंटीग्रिटी आपको मेंटेन क्या करनी है, स्किन की इंटीग्रिटी है ना, कंटिन्यूसली मेंटेन करना है, स्किन का प्रॉपर केयर करना है, बट प्राइमरी क्या है, सिम्टम्स को कंट्रोल करना है, तो बाकी सारे हमारे ऑप्शन इररिलेवेंट रहेंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which goes intravenous catheter is commonly used for blood transfusion? यहाँ पे 16 नहीं था, 17 नहीं था, 18 नहीं था, पहला क्या था, 19 था। सर ऑप्शन में तो 19 था, अरे भैया 19 था तो 19 करके आना था, बिल्कुल शाबाश शेती जी, बी ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला, ए रहेगा, क्या रहेगा, ए रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि सर हमारे सामने 90 गोस था, सबसे बड़ा तो यही था, तो यही करके आना था, बाकी सारे हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको करना क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, ध्यान से देखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, तो हम क्या करके आएंगे, हम करके आएंगे 19 गोल्स का। क्लियर है, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए शाबाश, फटाफट से आगे चलिए। अब देखते हैं, इन विच कलर ऑफ द डस्टबिन नर्स डिस्कार्ड द वायल इंजेक्शन ऑफ मेथोट्रेक्सेट, मेथोट्रेक्सेट का है व्हाइट में, ब्लू में, रेड में, ग्रीन में। अब ग्रीन आपका हटा लो, डिस्पोजेबल, ठीक है, रेगुलरली आप क्या ग्रीन में कौन सा करते हैं, हाउस डिपार्टमेंट डिस्पोजेबल, ठीक है, जो रेगुलर हमारा हाउस का जो हमारा रहता है, जो गार्बेज वगैरह, वो सब ग्रीन में करेंगे रेगुलर, जो है ना। रेड में हमको करना नहीं था, रेड में सारा हम क्या करेंगे, प्लास्टिक करेंगे। ब्लू हमारा यहाँ पे है नहीं, हमारा क्या था, व्हाइट था, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, ठीक है, आजकल क्या जो शार्प है, शार्प है वो किसमें जाएगा, व्हाइट में जाएगा, व्हाइट, ठीक है, क्योंकि क्या हो गया है, ब्लू अब हर जगह से लगभग हटा दिया गया, क्या हो गया, ब्लू डस्टबिन या ब्लू आपका जो कलर कोड है आपका ऑलमोस्ट हर जगह से हटा दिया, पंचरलेस पहले बोला करते, अब हट चुके हैं, अब आपको क्या मानना है, ए मानना है, तो ए करेक्ट है। जो बी करके आए हैं, मैं बोल रहा हूँ सही, बिल्कुल गलत आपका जाएगा, आप ये मत सोचना सर नहीं गलत है, नहीं गलत आपका ही जाएगा, क्योंकि अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है, व्हाइट चल रहा है, आपने देखा होगा नए हॉस्पिटल सेटअप में, बिल्कुल ही क्या हो चुका, ए हो गया, बी बिल्कुल गलत जाएगा, ए ही आपको सही करना है यहाँ पे, ए ही आपका सही जाना था, तो जो ए करके आए उनका राइट होगा, व्हाइट पे ही जाएंगे। द सर्कुलेटरी नर्स इज anticipated to perform which of the following roles? Circulatory scrub, circulating and scrub nurse, दो तरह के होते हैं, ठीक है, तो circulating का काम क्या होता है, circulating का काम होता है assist the surgeon, count the all sperm postoperatively, performing the surgical scrub, verifying the consent, तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है appropriate? कई बच्चे B का answer कर रहे हैं, B answer कर रहे हैं क्या, बी गलत होगा, बी यहाँ पे गलत है, क्योंकि देखो काउंटिंग का जो काम है, काउंटिंग असिस्ट कराना है, ठीक है, विद द प्रेजेंस ऑफ वार्ड बॉय, जो अपना हॉस्पिटल अटेंडेंट होता है उसके साथ उसी प्रेजेंट में उससे काउंट कराना है, आपको क्या करना है, सुपरविजन करना है, क्लोज ऑब्जर्वेशन करना है। सर्कुलेटरी का काम क्या होता है, सबसे प्रॉपर यहाँ पे सर्जिकल असिस्ट द सर्जन तो उसके एसआर या जेआर करेंगे, साथ में कौन करेगा, जो स्क्रब नर्स है, स्क्रब नर्स विल असिस्ट द सर्जन, ठीक है, परफॉर्मिंग द सर्जिकल स्क्रब, सर्जिकल स्क्रब कौन करेगा, मेन स्क्रब नर्स करेगा, ठीक है, वेरीफाइंग द कंसेंट, WHO चेकलिस्ट जो होती है उसके अंदर आपका आता है साइन इन, टाइम आउट और क्या है, साइन आउट। क्लियर है, तो साइन इन कब करते हैं, सबसे पहले साइन इन कब करेंगे, साइन इन जैसे पेशेंट अंदर आया उसकी आईडी, ठीक है, नेम ऑफ पेशेंट, प्रोसीजर क्या है, कंसेंट लिया कि नहीं लिया, ठीक है, क्या है सर्जी, पेशेंट का इंट्यूबेशन करेंगे तो आपका जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो पेशेंट के फिंगर पे है कि नहीं, ऑन एंड फंक्शनिंग है कि नहीं, ये सारे बेसिक चीजें देखते हैं। इसके बाद जो टाइम आउट होता है, टाइम आउट कब होता है, जब पेशेंट को इंसिजन लगने वाला होता है उसके जस्ट बिफोर द इंसिजन, क्या होता है, टाइम आउट होता है, ठीक है, जस्ट इंसिजन लगने से पहले कंफर्म द ऑल द टीम मेंबर विद देयर नेम एंड रोल्स, ठीक है, सारे ही जो ओटी के अंदर एनेस्थेटिक होते हैं, सर्जन होते हैं और जो नर्सिंग ऑफिसर होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, एक सर्कुलेटरी नर्स क्या करते हैं, सबको कंफर्म करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, वेरीफाइंग द कंसेंट, कि सर्जरी कंसेंट, हाई रिस्क कंसेंट और एनेस्थेटिक कंसेंट, जो आपका जीए होगा या स्पाइनल होगा, जो भी आपका एनेस्थेटिक रहने वाला है, जो भी प्रोसीजर होने वाला है उसका कंसेंट है कि नहीं, ये आपको कौन, सर्कुलेटरी नर्स ही करेगी, सबसे पहले हैंड ओवर भी उसका पेशेंट का ओटी के अंदर सबसे पहले वो ही लेगी। क्लियर है, तो उसका डी करेक्ट आंसर था, बी नहीं जाएगा काउंटिंग हम अभी नहीं। सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हैज द थ्री मेन कंपोनेंट, अब सक्सेसफुल कम्युनिकेशन पूछा है तो क्या जाएगा, सेंडर रिसीवर मैसेज, पेशेंट अटेंशन विद द परहैप्स रिपोर्टिंग, लिसनिंग, आई कॉन्टेक्ट एंड रेस्पॉन्डिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल एम्बिएंट,
ठीक है, तो यहाँ पे सक्सेसफुल पूछा है, तो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन कब होगा, जब पेशेंट सुनेगा, ठीक है, जब आप पेशेंट की सुनोगे या पेशेंट आपकी सुनेगा, आई कॉन्टेक्ट रहेगा और आप रेस्पॉन्ड करोगे, ठीक है। आंसर डी माना गया है, कई जगह डी नहीं रहेगा, सेंडर रिसीवर मैसेज, ये ऐसी वन वे भी हो सकता है। सक्सेसफुल कम्युनिकेशन पूछा, कम्युनिकेशन हमेशा दो लोगों के बीच होता है, कम्युनिकेशन ऑलवेज बिटवीन टू पर्सन होता है, वन पर्सन नहीं होता, टू पर्सन के बीच में होगा। इन द सेंस क्या है कि हमेशा क्या होना चाहिए, रेस्पॉन्स होना चाहिए, सामने से रेस्पॉन्स होगा तभी तो सक्सेसफुल रहेगा। डी नहीं माना जाएगा, डी गलत माना जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर आंसर डी मानता है एग्जामिनर तो आपको बोनस मिल सकता है, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन, ये हमारा जो कम्युनिकेशन है, लिसनिंग, आई कॉन्टेक्ट एंड रेस्पॉन्डिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है जी। चले आगे, इन द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब ड्रेनेज द नर्व शुड नॉट हिट द एसिडिटी ऑफ ड्रेनेज इन द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब एनजी नेजोगैस्ट्रिक ड्रेनेज द नर्व शुड नॉट द एसिडिटी ऑफ ड्रेनेज द ऑर्डर ऑफ द ड्रेनेज द कलर एंड अमाउंट एंड टाइप एंड ऑल ऑफ द अबो। इसके अंदर क्या जाएगा, ऑल ऑफ अबो जाएगा या फिर द कलर अमाउंट एंड टाइप जाएगा, क्या पूछा गया। द नेजोगैस्ट्रिक ड्रेनेज नर्व शुड नॉट, नर्स शुड नॉट, यहाँ पे क्या पूछा है ध्यान रखना, नर्स के बारे में पूछा है, नर्स शुड नॉट, नर्स क्या करेगी। अगर जो आंसर डी करके आए हैं, डी गलत होगा, डी नहीं जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ध्यान रखिएगा, देखिए नर्स तो पूछा, तो नर्स प्राइमरी नेजोगैस्ट्रिक जो ड्रेनेज होगा उसके अंदर क्या देख सकती है, नेजोगैस्ट्रिक ड्रेनेज का कलर देख सकती है, अमाउंट देख सकती है कितने में लाया और किस टाइप का आया, ये देख सकती है, इतना देख सकती, बट एसिडिटी चेक करने के लिए, ऑर्डर चेक करने के, ये सारी चीजें लैब में जाके हो सकती है। तो नर्स के लिए पूछा है तो आपको सी करेक्ट मान के चलना है, सी करेक्ट मान के चलना है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम एंड डेप्थ इन प्लेन। नॉर्मल रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेस्पिरेशन का पूछा है, नॉर्मल रेस्पिरेशन का यूपनिया, एपनिया, ब्रेडिपनिया, ट्रिकीपनिया, ये तो बढ़ जा, ये घट जाता है, ये बढ़ जाता है, ये अब्सेंट हो जाता है, ठीक है, और ये क्या है नॉर्मल, ठीक है। यूपनिया को क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, आंसर क्या जाएगा, ए जाएगा, वेरी गुड, ए इज द करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हेन द रिकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर द साउंड विच कैन बी हर्ड विद द स्टेथोस्कोप प्लेस ओवर द आर्टरी टर्मिनस, व्हीजिंग साउंड, मर्मर साउंड, क्रिकल साउंड या कॉर्डस्कोप साउंड। अब आपको पता है व्हीजिंग साउंड अस्थमा के अंदर आता है, ठीक है, अस्थमा के अंदर आता है। मर्मर साउंड किस में आएगा, एरोटिक स्टेनोसिस में या माइट्रल वाल्व के स्टेनोसिस में, माइट्रल वाल्व के स्टेनोसिस में आएगा। क्रैकल साउंड आपको पता है हार्ट फेलियर के अंदर आ सकता है, और कॉर्डस्कोप साउंड ही तो आता है, कॉर्डस्कोप साउंड ही तो हमारा आता है स्टेथोस्कोप में, स्पाइनोमैनोमीटर के अंदर, क्लियर है। तो कॉर्डस्कोप साउंड आपको सुनने मिलता है स्पाइनोमैनोमीटर में, क्लियर है। चले फटाफट करना पड़ेगा क्योंकि काफी कम समय में काफी जल्दी क्वेश्चन कराने हैं हमको, ठीक है। सो मैच कर लीजिएगा आपके आंसर, क्योंकि आंसर की अगर आपके पास आ रही है तो आंसर के अंदर हो सकता है कुछ क्वेश्चन गलत है और कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली गलत है, क्योंकि डिपेंड करेगा, क्योंकि आज ही आई है रिजल्ट भी, रिजल्ट आपको 8th ऑफ नवंबर को डिक्लेयर हो जाएगा, रिजल्ट आपका 8th ऑफ नवंबर को आ जाएगा। तो फटाफट से अपने आंसर की या अपने जो आंसर आप करके उसको मैच करने की कोशिश की, कॉर्डस्कोप साउंड आ जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन द केयरिंग फॉर द क्लाइंट विद द फीमोरल वीनस कैथेटर, ध्यान दीजिएगा फीमोरल विनस कैथेटर के बारे में पूछा गया है, फीमोरल विनस कैथेटर, फीमोरल विनस पूछा गया है। द एसेंशियल फॉर द नर्स टू क्या करना है, फ्रीक्वेंट फ्लशिंग ऑफ द कैथेटर विद द सलाइन, मेंटेन इसराइल टेक्निक व्हेन द वर्किंग विद द कैथेटर, असेस द प्रेशर ड्रेसिंग फ्रीक्वेंटली और फॉर ब्लीडिंग और लिमिट द इमोबिलिटी ऑफ इफेक्टेड लिम, क्या जाएगा आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल डी डी, ठीक है। इसमें आंसर क्या जाएगा, इसमें क्या आंसर जाएगा, इसमें आंसर जाएगा, अब देखिए विनस, फीमोरल विनस पूछा है, आर्टेरियल कैथेटर नहीं पूछा है, आर्टेरियल लाइन नहीं डाली है, फीमोरल से कोई आर्टेरियल लाइन नहीं गया। अगर आर्टेरियल होता, अगर यहाँ पे आर्टेरियल होता, अगर आर्टेरियल होता तो क्या करते हैं आप, क्या करते हैं, सी प्रेशर ड्रेसिंग फ्रिक्वेंटली असेस करते हैं, एक प्रेशर ड्रेसिंग अप्लाई करते हैं, ठीक है, प्रेशर ड्रेसिंग फॉर 3 to 4 आवर्स, प्रेशर ड्रेसिंग, ठीक है। बट यहाँ क्या पूछा गया, यहाँ पूछा गया आर्टेरियल कैथेटर, तो यहाँ पे क्या था, फ्लश करना है, फ्रीक्वेंटली फ्लशिंग कैथेटर विद द सलाइन, तो ए इज द करेक्ट आंसर, इज दैट क्लियर,
ए इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, ए इज द करेक्ट आंसर। आपने अगर आंसर डी नहीं, डी देखो लिमिट इमोबिलिटी ऑफ अफेक्टेड लिंब नहीं करेंगे, क्योंकि देखो आर्टरियल नहीं पूछा है, आपको पूछा है वीनस कैथेटर पूछा है, सिंपली वीनस कैथेटर डाला हुआ आर्टरियल लाइन में, इसलिए आप प्रेशर ड्रेसिंग या लिमिट नहीं करेंगे। अगर हाँ सेंट्रल लाइन आर्टरियल लाइन अगर होती तो उसके अंदर हम कर सकते थे। क्लियर है, इज दैट क्लियर, शैल वी मूव? यस। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन? देखो सिंपल, एमआई का मोबाइल नहीं है, हमारा दिल है, ठीक है, एमआई मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, तो क्या होगा, हेमरेज होगा भाई, इडिमा होगा, डिसिप्निया होगा या चेस्ट पेन होगा। अब यार बिल्कुल इररिलेवेंट से ऑप्शन है, करना ही कुछ नहीं था, सीधा क्या टिका देना था, डी, बिल्कुल डी सभी का सही आंसर जाएगा, कुछ साइन ही ना इसमें। सर इजी पेपर था बड़ा, बिल्कुल बहुत ही अच्छा था, देखो जो पढ़ने वाले के लिए इजी होता है, नहीं पढ़ने वाले के लिए ये भी क्या था, ये भी महाभारत से कम नहीं था पेपर, उसके तो घंटे भी नहीं निकलते हैं जो पढ़ता नहीं है, है ना, जो पढ़ता नहीं उसके लिए तो ये भी मुश्किल होगा, पढ़ता है उसके लिए सब कुछ आसान है, पढ़ता है उसी को ही तकलीफ होती है, पढ़ता है उसी को ही स्ट्रेस होता है, नहीं पढ़ने वाले के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये भी आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी, दिवाली से पहले आपको लेटर आ जाएगा, मिठाई भेज देना, खुशखबरी भेज देना, क्योंकि सिलेक्शन आपका होगा और आनंद हमें आएगा, आनंद आपके परिवार वालों का आएगा, जिसको मानते हो उसको आएगा, प्रभु का आशीर्वाद है, सिलेक्शन हो जाएगा, मिठाई भिजवा देना। बिल्कुल श्वेता जी, अगर आपके सारे आंसर मुझे लग रहा है काफी अच्छे हैं, बिल्कुल मिठाई भिजवानी है आपको जी, पूरी टीम को आप मिठाई भेज के प्रोत्साहित कर सकते हैं, डेफिनेटली इसी तरह से हम आप सभी की हेल्प करते रहेंगे आने वाले एग्जाम्स में, ठीक है। तो चेस पेन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर था, डी इज द करेक्ट आंसर, यस। फोन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो सेनेल चार्ट आप ही बताया, दो दिन पे चारा चार्ट हो गया, सेनेल चार्ट हो गया, कंफर्ट्रेशन चार्ट हो गया, कंफर्ट्रेशन किसके लिए हो गया, पेरिफेरल विजन के लिए हो गया, चारा चार्ट हो गया कलर विजन के लिए, और सेनेल चार्ट हो गया विजुअल एक्विटी के लिए, कुछ सोचना ही नहीं था, इंट्राकुलर प्रेशर नहीं, आई पेन नहीं, मेजर विजुअल एक्विटी, क्या करना था, सी टिका किया जाना था, जिसने टिका सी उसका काम रेडी है, ठीक है, जिसने नहीं किया कंफ्यूज हो गया, इट्स ओके, अगला एग्जाम आएगा फिर तैयारी करना। चलिए तो आगे चलते हैं जी, बिल्कुल इंडिया जीत गया है, कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छा, इंडिया जीत गया है, अच्छी बात है। द इंट्रा ऑपरेटिव फेज बिगिंस व्हेन अ पेशेंट अराइव्स इन द थिएटर डिपार्टमेंट, अब पूछा गया है, देखो ओटी से दो चार क्वेश्चन आ गए, अच्छे क्वेश्चन थे, सिंपल अच्छे क्वेश्चन है, जिन्होंने काम किया है या जिनको एक्सपीरियंस है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। द इंट्रा ऑपरेटिव फेज, अब इंट्रा ऑपरेटिव फेज कहां से शुरू हो रहा है, इंट्रा ऑपरेटिव फेज बिगिंस व्हेन अ पेशेंट, एक है अ पेशेंट अराइव इन द थिएटर डिपार्टमेंट, ऑप्शन ए पेशेंट लीव्स द रिकवरी रूम, अ पेशेंट अराइव्स इन द ऑपरेटिंग थिएटर, सर्जन मेक्स फर्स्ट इंसिजन, सर्जन मेक्स अगर फर्स्ट इंसिजन आप जा रहे हैं तो गलत होगा, क्योंकि ऑपरेटिव टाइम इंट्रा ऑपरेटिव तभी शुरू हो जाता है जैसे पेशेंट आपका मेन जो ओटी थिएटर होता है, ओटी का जो रूम होता है जिसके अंदर पेशेंट ओटी टेबल लगी होती है, वहां पे ऑपरेट होने वाला होता है, क्योंकि वहां से ही जैसे आपने पेशेंट का साइन इन कराया वो इंट्रा ऑपरेटिव शुरू है, इंसिजन का वेट नहीं है, क्योंकि उससे पहले क्या होगा, एनेस्थेटिक आएंगे, एनेस्थीसिया देंगे उसको, इंड्यूस करेंगे उसको, है ना, उसको क्या कर सकते हैं, इंड्यूस करेंगे, मान लो जीए दे रहे हैं उसको, इंड्यूस कर रहे हैं ड्यूरिंग दैट टाइम, अगर पेशेंट कोलैप्स हो गया, कोई किसी तरह की ट्रेजेडी होती है तो वो इंट्रा ऑप के अंदर ही काउंट होगा, ठीक है। सो क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर, सी हमारा करेक्ट जाएगा, डी नहीं जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, यस। चलिए आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नर्सिंग इंटरव्यू इज एप्रोप्रिएट व्हेन अ आईवी इन्फ्यूजन इन्फिल्ट्रेट, इनफिल्ट्रेशन पे क्वेश्चन फिर से आ गया, FON से ही फंडामेंटल से क्या बोले, क्या करेंगे, एलिवेट द साइड करेंगे, डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूजन करेंगे, अटेम्प्ट टू फ्लश द ट्यूब, अप्लाई वार्म, क्या करना है, कुछ नहीं करना है सर, एलिवेट क्यों करेंगे, अभी कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो क्या करेंगे, डिसकंटिन्यू करेंगे, इनफिल्ट्रेट हो रहा है, लाइन से आउट हो गया कैनुला, लाइन से आउट हो गया तो क्या करोगे, इनफिल्ट्रेट में क्या करना है, सलाइन को स्टॉप कर देना है, जो भी फ्लूइड चल रहा है उसको स्टॉप कर लेना है, नथिंग एल्स, क्या जाएगा, बी, वेरी गुड, बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कलर कोडिंग इज नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर क्या होती है, ब्लैक, ब्लैक एंड व्हाइट या फ्रेंच या ग्रे, क्या होगी, फटाफट से बताइए, क्या होगी जी, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट, ये ब्लैक एंड व्हाइट तो आपका ऑक्सीजन का हो जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड के लिए CO2 के लिए ब्लैक हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड फ्रेंच ब्लू या रॉयल ब्लू भी अगर आ जाए तो आपको करना है फ्रेंच ब्लू, यहाँ पे तो फ्रेंच ब्लू आपका करेक्ट आंसर बैठेगा, बिल्कुल जी हाँ, करेक्ट आंसर क्या है, फ्रेंच ब्लू, ठीक है, किसका पूछा, नाइट्रस ऑक्साइड का पूछा है, ठीक है, यस। चलते हैं आगे,
a client a child diagnosed with the rheumatic fever will diagnose most likely have history of which of the following क्या हो सकता है? आपको पता है ये क्वेश्चन आता ही, कोई डाउट नहीं, कोई शंका नहीं, कोई विचार नहीं, पता है स्ट्रेफेलोकोकस बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेफेलोकोकस की वजह से, बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेफेलोकोकस ओरियस की वजह से क्या होता है आपको रूमेटिक फीवर होता है। तो सिबलिंग डायग्नोस विद द सेम डिजीज नहीं, रिसेंट स्ट्रेफेलोकोकस, थ्रोट इंजेक्शन, ब्रशिंग ऑफ द ऑफ इजी, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, क्या है बी स्ट्रेफेलोकोकस ओरियस देख लिया, टिका देना है बी पे, नंबर आएंगे पूरे, काम हो गया पूरा, बी के ऊपर करेक्ट जाना था, बी के ऊपर आंसर जाना था, बिल्कुल जी हाँ बी करेक्ट आंसर रहने वाला था इसका, बी करेक्ट आंसर रहना था। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का पेपर है आज और उसी का ही एक पेपर सॉल्यूशन करवा रहे हैं आपको, जी बिल्कुल चलते हैं। अ क्लाइंट हैज बीन डायग्नोस्ड विद द हाइपरटेंशन, द प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस वुड बी, अब यहां पूछा गया नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्स क्या करना है, नर्सिंग ऑफिसर को क्या करना है, नर्सिंग डायग्नोसिस डिसाइड करता है इनफेक्टिव हेल्थ मेंटेनेंस, इंपेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, डिफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम। बच्चे जल्दी में सी करके आ गए, सी क्यों करके आ गए, सी क्यों करना था आपको, सी करना ही नहीं था। यहाँ पे क्या पूछा है, क्या पूछा है, हाइपरटेंशन है तो फ्लूड डेफिसिट कैसे रहेगा, फ्लूड डेफिसिट नहीं रहेगा, फ्लूड डेफिसिट बिल्कुल नहीं होना। यहाँ पे क्या इन इफेक्टिव हेल्थ मेंटेनेंस, क्या हुआ ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है इन इफेक्टिव, क्या आना था हेल्थ मेंटेनेंस, क्लियर है, इज दैट क्लियर, चलो आगे चलते हैं। अ प्रेग्नेंट वुमेन इन द लेबर रूम इज 9 सेंटीमीटर डायलेटेड हो गया है सर्विक्स, ठीक है, वांट टू पुश, नर्स शुड हैव, अब नर्स को क्या बोलना है, नॉर्मल डिलीवरी आजकल होती नहीं है पर जिसने कराई है या जिसकी हुई है उसको पता होगा क्या करना है, क्या बोला जाएगा नर्सिंग ऑफिसर आपको, क्या बोलेंगे वहां पे डॉक्टर आपको, क्या बोलेगी, हैव हर पेंट ब्लो, पेंट ब्लो ड्यूरिंग द कॉन्ट्रेक्शन, प्लेस हर लेग्स ऑन द स्ट्रिप्स टू फैसिलिट द पुशिंग, ठीक है, एंकरेजिंग हर टू बेरिंग डाउन विद ईच कॉन्ट्रेक्शन और रिसीविंग द पुशिंग टेक्निक्स थॉट इन एंटीनेटल क्लेयर, क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट आंसर करके बताइए। क्या करेंगे, ठीक है, देखो कई बच्चे आंसर ए करके आए और कई सी करके आए, है ना, एंकरेज हर टू बियर डाउन विद ईच कॉन्ट्रेक्शन या हैव हर पेंट ब्लो ड्यूरिंग द कॉन्ट्रेक्शन, जिस बिल्कुल, तो इसका करेक्ट देखो सी भी हो सकता है या ए भी हो सकता है, दोनों ही आंसर आपके हो सकते हैं, सी या ए के अंदर डिपेंड करता है एग्जामिनर क्या मानता है, अगर एग्जामिनर ए मानता है देखो ए का मेरे हिसाब से ए होगा, अगर सी के लिए भी सोच सकते अगर करके आए, बट इंपॉर्टेंटली ये है पेंट ब्लो क्या होता है, पेंट ब्लो क्या होता है, देखो पेशेंट का जैसे ही कॉन्ट्रेक्शन इंटेंस यानी इंक्रीज हो जाते हैं इंटेंसली, कॉन्ट्रेक्शन की इंटेंशन बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा इंटेंस होते हैं, तब पेशेंट को बोला जाता है कि आप क्या करना है, आपको डीप ब्रीथ लेनी है, क्या करना है डीप ब्रीथ लेनी है, गहरी सांस लो और दो पेंट, ठीक है, दो ब्लो आउट कराओ और एक डीप ही हा, ठीक है, इस तरह से दो डीप ब्रीथ करना है जैसे और डीप, तो ये करने से आप ट्राई करके देखना आपको क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन फील होगा एब्डोमेन साइड पे, बिल्कुल एक बेयरिंग डाउन इफेक्ट आएगा, तो उसमें भी क्या होता है बेयरिंग डाउन ही होता है, बट अगर ये ऑप्शंस आपके सामने नहीं होता तो आपको सी करना था, यहाँ पे करेक्ट आंसर ए जाएगा, ठीक है, अगर ये आपके सामने नहीं होता तो आपका सी जाता, अगर ये था तो आपको ए ही जाएगा, सी आपका नहीं जाएगा, जो सी करके आए सॉरी फॉर देम, अगर यहाँ पे आपको ये एक ऑप्शन दे रखा बड़ा ही प्योर बड़ा साइंटिफिक था ये था तो आपको ए करके आना था, क्लियर है, चलिए तो आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द एंटीनेटल चेकअप द क्लाइंट आस्क्ड द नर्स व्हाई मेंस्ट्रुअल सीजेस और प्रेगनेंसी अकर, वंस प्रेगनेंसी अगर मेंस्ट्रुअल सीज क्यों हो जाते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था उसका, द नर्स बेस्ट रिस्पांस वुड बी दैट अकर बिकॉज ऑफ द रिडक्शन ऑफ द सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन बाय ओवरीज, प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बाय द ओवरीज, सिक्रेशन ऑफ लुटिनाइजिंग हार्मोन प्रोड्यूस बाय द क्या है पिट्यूटरी और सिक्रेशन ऑफ द एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस बाय द ओवरी, जी क्या है क्या है क्या है, फटाफट से आंसर करिए, क्या हो सकता है, क्वेश्चन आपके सामने है, पेपर आप देख के आए हैं, क्या करके आए हैं, ए करके आए बी करके आए क्या करके आए, चलिए 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 फटाफट से देखिए, सिंपल क्वेश्चन फिर बेसिक क्वेश्चन,
बेसिक एनाटॉमी। अब यार ओवरीज, रिडक्शन ऑफ द सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन्स मेम्ब्रेन। अब यार है ना, प्रेगनेंसी आ गई है तो ओवरीज से जो हार्मोन होंगे ऑब्वियसली सीज हो जाएंगे। सीज हो जाएंगे तो क्या होगा? सीज हो जाएंगे तो बिल्कुल सीज हो जाएंगे तो क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन नहीं आएंगे, दैट्स इट। ज्यादा साइंस कहाँ थी इसमें, ज्यादा दिमाग लगा। वेरी गुड नर्सिंग क्वालिटी, वेरी गुड, वेलकम सर, वेलकम जी, बहुत ही अच्छा। तो ए आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ए आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए जो आगे चलते हैं। अ क्लाइंट हु हैज मिस्ड टू मेंस्ट्रुअल पीरियड इज कंप्लेनिंग ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग। क्या हो रही है? दो मेंस्ट्रुअल पीरियड मिस कर लिए, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। वन साइडेड लोअर कर्टेन प्लेन है, नॉट सस्पेक्ट। क्या हो सकता है? एब्रोप्शन ओप्लेशन था, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनकम्प्लीट एबॉर्शन या रप्चर ऑफ ग्राफियन कॉलोनी। अब यहां देखो, इसको बाहर कर दो आप, क्लियर है, इसको हम बाहर कर देते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। यस डेफिनेटली, साथ बने रहिएगा। तो इसी तरह से सिलेक्शन पे सिलेक्शन मारे गए, तो शुरुआत है सिलेक्शन पे सिलेक्शन, ठीक है। इंडिया एट कॉन्सिक्वेंस, उसकी कंटिन्यूस एट विन हो चुकी है। आपकी भी एट सिलेक्शन पूरे करने हैं आपको, बहुत ही बढ़िया। तो एब्रप्शन प्लेसेंटा, इसको बाहर करो यार, एक तो भी प्रेगनेंसी को ले लो। क्यों लेना है कि सर देखो क्या करना है, यहाँ पे पेन हो रहा है, दो मैसेज मिस कर लिए हैं, वन साइडेड लोअर कॉर्टेंट पेन है, तो ज्यादा सोचना क्यों था इसमें? ज्यादा सोचना नहीं था, बिल्कुल सिंपल था, मजे करना था। इनकम्प्लीट ऑपरेशन क्यों करेगी यहाँ पे? नहीं करेंगे, बी जाना था, ठीक है, बी जाना था, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ऊपर। जिसने एक्टोपिक प्रेगनेंसी पढ़ा है उसको पता है सर क्या होता है, ज्यादा दिक्कत थी नहीं, ज्यादा लोड था ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं। नर्स ऑब्जर्व दैट द क्लाइंट एमनियोटिक फ्लूइड, द नर्स डिसाइड दैट दिस अपीयर नॉर्मल। अब नॉर्मल अपीयर है बिकॉज इट इज क्या है, क्लियर डार्क अम्बर कलर, भाई नहीं मिल्की ग्रीनिश, अरे बिल्कुल भी नहीं, क्लियर ऑलमोस्ट कलरलेस कंटेनिंग व्हाइट, बिल्कुल ठीक है, क्लाउडी। अब ये तो इन्फेक्शस है, ये भी फंगस है, ये भी इन्फेक्शस है, सारे इन्फेक्शन से क्लियर ही तो होता है। एमनियोटिक फ्लूइड कैसा होता है? क्लियर होता है, ऑलमोस्ट कलरलेस होता है, कंटेनिंग द लिटिल व्हाइट स्पेक्स होता है, क्लियर है। बहुत हेल्प हुई सर, सारे क्वेश्चन सही हुए, थैंक यू कैपिस सर, लक्ष्मण सर, हार्दिक सर, मुकेश सर, अल्टीमेट सेशन ऑल्ड, बहुत हेल्प हुई जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत ही बहुत थैंक यू आपका। बस आपका सिलेक्शन हो जाए, मिठाई भिजवा देना जी, ठीक है, सिलेक्शन हो जाए तब ही मजा आएगा, क्योंकि बिना सिलेक्शन के मजा हमको भी नहीं आएगा, आपको भी नहीं आएगा। आई होप आपकी दिवाली बहुत ही अच्छी जाए इस बार, आपका ऑफर लेटर, आपका जॉब लेटर आपको मिल जाए, उसी के साथ हमें बड़ी खुशी होगी। एक स्क्रीनशॉट जरूर भेज लीजिएगा आपके सिलेक्शन का जी, बिल्कुल। चलिए, तो आपको क्या करना था? सी करना था, क्लियर होता है एमनियोटिक फ्लूइड, ज्यादा कुछ डाउट था ही नहीं। नर्स ऑब्टेन्ड द स्पेसिमेन ऑफ द क्लियर नेजल ड्रेनेज फ्रॉम द क्लाइंट विद द हेड इंजरी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेफरेंस म्यूकस फ्रॉम सीएसएफ। अब यार हेड इंजरी हुई है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डिफरेंशिएट म्यूकस ऑफ सीएसएफ। अब सीएसएफ के अंदर नॉर्मली क्या नहीं होता है, ठीक है, प्रोटीन, ठीक है, स्पेसिफिक। अब क्या ग्लूकोज अगर उसके अंदर मिल गया, ग्लूकोज उसके अंदर मिल गया तो समझ जाना कि पेशेंट को नेजल इंजरी, अगर नेजल ड्रेनेज के अंदर हेड इंजरी हुई है तो ग्लूकोज अगर मिल गया, पेपर के ऊपर चेक करते हैं, अगर रिंग बन जाती है, रिंग बन जाती है तो ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज कर पाया गया, और अगर क्लियर ड्रेनेज रेंज में तो समझ जाना वो क्या है, सीएसएफ। क्योंकि सीएसएफ के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है। अगर ग्लूकोज उस क्लियर फ्लूइड जो आपके नेजल ड्रेनेज से आया है या ईयर ड्रेनेज से आया है, अगर उसके अंदर वाई या हमारा ग्लूकोज अगर प्रेजेंट हो जाता है तो क्या होगा, वो सीएसएफ होगा और आपको हेड इंजरी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, आपको नहीं पेशेंट को, क्लियर। चलिए 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 फटाफट से। द थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ द मैग्नीशियम सल्फेट द क्लाइंट विद द प्री एक्लेम्पसिया वुड बी डेमोन्स्ट्रेट बाय इंक्रीज ब्लड प्रेशर, डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, इंक्रीज यूरिन आउटपुट या डिक्रीज यूट्राइन इरिटेबिलिटी। क्या पूछा था? मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 की आपको टॉक्सिसिटी, या फिर आपको ये नहीं पूछा था, साइड इफेक्ट नहीं पूछा था, यहाँ क्या पूछा था, पूछ लिया था कि भाई क्या थेरेपेटिक इफेक्ट कैसे पता करोगे। अब थेरेपेटिक इफेक्ट पता करना तो क्या करके आए हो, सी करके आए हो, डी करके आए हो? बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड श्वेता जी, बहुत ही, मेरे को लग रहा है किलो 2 किलो मिठाई आपको एक्स्ट्रा भेजनी पड़ेगी जी, बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि हम जी बिल्कुल, आधा किलो तो कैपेसरी खा जाते हैं, आधा किलो कैपेसरी खा जाएंगे, 100 100 ग्राम में लक्ष्मण सब तो खाएंगे। इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट आपको करना है जी, बिल्कुल यूरिनरी आउटपुट आपको करना है, ठीक है, इंक्रीज यूरिन आउटपुट कब करेंगे, क्यों? क्योंकि आपको थेरेपेटिक इफेक्ट शो करना है, इज दैट क्लियर? यस। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेग्नेंट वुमेन कंप्लेंट्स ऑफ फ्रीक्वेंट नोजिया वोमिटिंग, द नर्स टीच द वुमेन टू बेस्ट सीड्स। पता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो नई लेडीज होती है, नई गर्ल्स होती है, जो प्रेग्नेंट हो जाती है, उनको नोजिया वोमिटिंग काफी ज्यादा आता है, तब आप क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, दबा के खाना ऐसा बोलते हो, क्या बोलते हो, ईटिंग पार्ट ऑफ बटर बिफोर राइजिंग, और उठते ही बटर खा लो,
है ना, बटर वाले बिस्किट, बटर वाली आलू के पराठे, ये खाना है, या फिर इटिंग स्मॉल बट फ्रिक्वेंट मील, टेकिंग स्मॉल सिप ऑफ सोडा बाइकार्बोनेट, सोडा वो अपने 20-25 रुपए वाला मार्केट मिलता है वो नहीं, सोडा बाइकार्ब की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ड्रिंकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हॉट टी अंटिल नोज, सुबह सुबह पति को बोल दिया आप मेरे लिए सुनिए जी आधा किलो दूध की चाय बना दीजिए, एक कप भर के चाय पीऊंगे तब नोजिया, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता जी, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्या करना था उसमें, स्मेल और फ्रिक्वेंट, थोड़ा थोड़ा खाना है, आपको क्या बोलना है, आप प्रेग्नेंट हो आपको थोड़ा थोड़ा खाना है, इतना लपालप नहीं खाना है, कितना खाना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, इटिंग स्मॉल बट फ्रिक्वेंट मील्स खाना है, तो आपको क्या होगा, नोजिया और वॉमिटिंग जैसी चीजें नहीं होगी, ज्यादा खाएंगे तो ओवर आपने खा लिया तो क्या हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, क्लियर, चलिए यहाँ का चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद द ट्रेकेस्टोमल ट्यूब, अरे 2000 बार पूछ लिया है क्वेश्चन, कितनी बार 2000 बार पूछ लिया है, अब 2000 बार और आएगा, क्या था भाई, इंक्रीज कार्डियक अटैक, अरे बिल्कुल नहीं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्टर्स नहीं, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, अरे इररिलेवेंट है, क्या था, डैमेज लैरिंजियल नर्व, क्या होता, बिल्कुल यही था ना, मैं गलत तो नहीं हूं जी, बिल्कुल सर गलत नहीं है, आगे चलिए, डैमेज द लैरिंजियल नर्व करते हैं, क्लियर है जी, चलिए, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी, ईसीजी नहीं है, ईसीजी के साइड इफेक्ट नहीं पूछे, यहाँ क्या इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी पूछा गया है, क्या था, परमानेंट मेमोरी लॉस एंड ब्रेन डैमेज, फ्रैक्चर एंड डिसलोकेटेड बोन, मायोकार्डियल इंफार्क्शन एंड कार्डियक अरेस्ट, टेम्पररी मेमोरी लॉस एंड कंफ्यूजन, क्या का क्या था, क्या करके आए हैं, डी करके आए हैं, क्या करके आए, टेम्पररी लॉस मेमोरी, किसका लॉस होता है, ये जो चुपचाप बैठे हुए हैं, बैठना नहीं है चुपचाप, है ना, ठीक है मैच वैच हो गया अभी, इस पे ध्यान दे दो, जो चुपचाप बैठ के देख रहे ना सर क्या, मतलब क्या चल रहा है, क्या माहौल है, माहौल बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बस आपको आंसर करना है क्या, क्योंकि टेम्पररी मेमोरी लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईसीटी के अंदर क्या हो जाता है, टेम्पररी मेमोरी लॉस हो जाता है, ये सब इररिलेवेंट है यार, क्यों, बिल्कुल इररिलेवेंट है, छोड़ो उसको, आउट करो कॉम्पिटिशन से, आंसर करके आओ, सी मायोकार्डियल इन्फेक्शन, क्लियर है, ए किसका आंसर कर रहे हो सीता जी, ए किसका आंसर कर रहे हैं आप, नहीं बिल्कुल पीछे का भी डी था और इस क्वेश्चन का भी डी ही रहेगा, टेम्पररी मेमोरी लॉस है ना, रेट्रोग्रेड एम्नीशिया टाइप हो जाता है, पीछे का भूल जाता है, टेम्पररी मेमोरी लॉस हो जाता है, चलिए आगे चलिए फटाफट से फिनिश करते हैं, बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय, अरे भाई हटाओ यार इनको, कौन लेके आया इनको यहाँ पे, सर बैठे हुए और किसी और की जरूरत होगी क्या, नहीं हाइपोथैलेमस जी बैठे हुए और किसी जरूरत नहीं, मैं कर लूंगा सब कुछ पता ही है ना, खाना पीना सेक्सुअल साइकिल स्लीप साइकिल सारा कुछ मेंटेन कर लेता है एक आदमी, सब कुछ देख लेता है, बिल्कुल केपी सर की तरह सब कुछ संभाल रहे हैं, सब कुछ करना है, बस हमको क्या करना है, हमको पढ़ना है और हमको, आपको क्या करना है, हमको पढ़ाना है और आपको क्या करना है, पढ़ना है, बाकी लोड नहीं है, टेस्ट सीरीज पे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से मजा आ रहा होगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, इससे भी अच्छे अच्छे और अच्छे अच्छे पेपर आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली 100% श्योर सिलेक्शन होगा, श्योर डेफिनेटली, चलिए चलिए चलिए, विच ऑफ द केमिकल यूज टू क्लीन फर्नीचर इन हॉस्पिटल, ग्लूटेराल्डिहाइड सेफलॉन बीटाडीन या एबीसी, बहुत यार क्या देखो क्वेश्चन है ना, ऐसा था ये, अब हॉस्पिटल के अंदर पूछ लिया है और पूछा है, ग्लूटेराल्डिहाइड तो हम सीधा ग्लूटेराल्डिहाइड टिका देंगे, अगर ऑप्शन में ए और बी बहुत माना गया है, आंसर के अंदर ए और बी अगर बहुत माना जाता है तो आप ध्यान रखिएगा, हॉस्पिटल के अंदर पूछा तो ग्लूटेराल्डिहाइड है इसको काउंटर कर सकते हैं, ग्लूटेराल्डिहाइड से करते हैं, सेफलॉन से फर्नीचर क्लीन नहीं करते हैं, सेफलॉन प्रैक्टिस नहीं है, सेफलॉन पे नहीं करेंगे, तो ओनली ए राइट होगा, ए और बी नहीं करेंगे, बिल्कुल श्वेता जी ए इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड बच्चों, चलिए चलिए चलिए, व्हाइल द क्लीनिंग ऑफ द आईज ऑफ द पेशेंट द एक्शन नॉट शुड बी हैंड वॉश क्लीन द आई फ्रॉम इनर कंट्रोल टू आउटर कंट्रोल, क्लीन आई फ्रॉम द इनर कंट्रोल टू आउटर टू इनर या ए और बी, दोनों यार देखो कोई भी प्रोसेस करेंगे, इनर टू आउटर, आई का बोला था इनर टू आउट, ठीक है आई का इन, ठीक है आई इन टू आउट, क्लियर है, कंफ्यूज होना ही नहीं था, तो बी तो राइट है, साथ में देखो प्रोसेस करने से पहले हैंड वॉशिंग मस्ट है, खाना खाने से पहले हाथ धोते हो ना बस, तो प्रोसीजर करने से पहले भी हाथ धोना मस्ट है, तो हैंड वॉशिंग मस्ट है, तो क्या आंसर जाएगा, ए और बी बहुत चला जाएगा, क्या चला जाएगा, ए और बी बहुत चला जाएगा, क्लियर है बी ए बी दोनों जाएगा, यस चलिए चलिए आगे चलते हैं, व्हेन द व्हेन एडमिनिस्ट्रेशन एन आईएम इंजेक्शन टू 4 month ओल्ड चाइल्ड टू बेस्ट इंजेक्शन, 4 month ओल्ड चाइल्ड बेस्ट इंजेक्शन द साइड यूज पी, क्या है सेंट्रलिस लैटरलिस ग्लूटियल डेल्टोइड, क्या जाएगा, चलिए चलिए यार ये इतना इजी, ए आंसर करना था, कुछ डाउट ही नहीं था, कंफ्यूजन नहीं था, ए इज द करेक्ट आंसर बैठेगा, कोई डेल्टोइड ग्लूटियल एडल्ट में करते हैं, यहाँ कुछ नहीं करना था, द नर्स इज अवेयर
दैट इज अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपोक्सिया अनकॉन्शियस पेशेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अर्ली इंडिकेटर क्या है, ये देखो एक आईसीयू के अंदर पहले भी आया हुआ, आईसीयू के अंदर पेशेंट एडमिट है उसके अंदर अनकॉन्शियस है, कौन सा उसका हाइपोक्सिया का इंडिकेटर क्या होगा, तो एंक्लेक्स के अंदर क्लियरली देखा हुआ है कि अनकॉन्शियस नहीं रेस्टलेसनेस रहेगा। साइनोसिस सर हम कैसे देखेंगे, पेशेंट कैसे बोलेगा, इंक्रीज रेस्पिरेशन हाइपरवेंटिलेशन, कुछ नहीं सर, एंक्लेक्स के अंदर क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस हो जाती है हाइपोक्सिया के अंदर अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर आपको देखने को क्लियर मिलता है। क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है। चलिए चलिए, अ फीमेल क्लाइंट इज रिसीविंग आईवी मेनिट्रोल सस्पेंड स्पेसिफिक टू सेफ एडमिनिस्ट्रेशन, द दे से ड्रग इज वाइटल आईडी 4 आवरली करना है, वेट वेइंग चेक करना है, वेट चेक करना है, यूरिन आउटपुट देखना है या लेवल ऑफ कॉन्शियस देखना है, क्या करना है, क्या करेंगे आप फटाफट से, है ना, क्या था सी लॉक कर दो। चलिए तो सी को क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, यही करेक्ट था। यूरिन आउटपुट चेक करना है, लेवल ऑफ कॉन्शियस नहीं यार, लेवल ऑफ कॉन्शियस बहुत टाइम लगेगा उसको आने में, नहीं डी नहीं जाएगा बच्चे, डी नहीं जाएगा सीधा, डी नहीं यार बिल्कुल बच्चे, डी नहीं जाएगा, क्योंकि देखो यूरिन आउटपुट देख रहे हैं यहाँ पे, क्या देखो उसी तरह से असेसमेंट चेक करना है, असेसमेंट चेक करना है कि बिल्कुल सही है कि नहीं है। यूरिन आउटपुट चेक करेंगे कि प्रेशर रिलीज करता है ना, ऑस्मोटिक डायुरेटिक है, प्रेशर रिलीज करता है तो यूरिन आउटपुट करना है। क्लियर है, चलिए जी। द नर्स कलेक्ट डाटा एंड ब्रिंग्स द डेवलप अ ट्रस्ट रिलेशनशिप विद द पेशेंट विच इज द स्टेप नर्सिंग प्रोसेस, असेसमेंट प्लानिंग इवैल्यूएशन। डाटा कलेक्ट करना है, ट्रस्ट रिलेशनशिप मेंटेन करना है, तो यार प्लानिंग में तो बात की बात है, इवैल्यूएशन लास्ट हो गया, इंप्लीमेंटेशन हम जो प्लानिंग करते हैं उसको इंप्लीमेंट करना होता है, तो इसमें क्या आंसर, क्या क्या आंसर करके आए हो, ए जी बिल्कुल, ए इज द करेक्ट आंसर, ए आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है जी, बिल्कुल वेरी गुड, ए आंसर, डी नहीं है, डी सी कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं, नहीं 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 बिल्कुल ए आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है जी। पिछले का आंसर डी क्यों बता रहे हो आप, डी नहीं, ए ही रहने वाला है, ए ही रहेगा आंसर, असेसमेंट आंसर रहेगा असेसमेंट। क्लियर है, चलिए जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच फॉर द नर्स यूज द क्राइसिस काउंसलिंग, क्राइसिस काउंसलिंग, क्राइसिस का मतलब क्या होगा, किसी का घर चला गया, किसी का फैमिली मेंबर लॉस हो गया, किसी का फाइनेंशियल लॉस हो गया, किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया ना, पेशेंट क्या कर रहा है, क्राइसिस फील कर रहा है, अगर क्राइसिस में काउंसलिंग नहीं की तो पेशेंट डिप्रेशन में जा सकता है, तो क्या करेंगे, रियोशरिंग स्टे विद द क्लाइंट, पेशेंट को रियोशर करेंगे, नहीं जो हुआ ठीक हुआ ये करेंगे, नहीं करेंगे भाई, चलो पैसिवली सुनते जाएंगे, बोलेंगे मैं बर्बाद हो गया, मैं ये हो गया वो हो गया, ये सुनेंगे नहीं, बिल्कुल पैसिवली सुनना नहीं है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, पैसिव नहीं आएगा यहाँ पे, एक्टिवली लिसनिंग जरूर करना है बट सिर्फ पैसिवली सुनना नहीं है। एक्सप्लोर अर्ली लाइफ, अरे भाई उसको पुरानी लाइफ एक्सपीरियंस और बताओगे आप, हेलो सब्जेक्ट मास्टर जी, हेलो, चलिए जी, तो पुराने इंसिडेंट याद थोड़ी दिलाना है, अभी तो पहले से क्राइसिस में चल रहा, बोलेंगे तो पहले ढंग से पढ़ लेता तो हो जाता, ये हो जाता, बिल्कुल नहीं, एक्टिवली विद फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट सिचुएशन, फोकस रखना है जी, बिल्कुल फोकस रहना है, एक्टिव रहना है, और उसको क्या करना है कि उसको आउट करना है उस सिचुएशन से, वो जिस चीज के बारे में सोच रहा है उस चीज से उसको आउट करना है, वहां से उसको बाहर करके क्या करना है, उसको बताना है कि जी ऐसा नहीं, आपको खुद को संभालना है और जो चीजें हो गई इट्स ओके फाइन है, आगे चलिए उससे मूव ऑन होइए, क्या करना है, एक्टिवली विद फोकस एंड करेक्ट सिचुएशन, ठीक है, यस। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द कॉमन कॉज ऑफ डेमेंशिया, डेमेंशिया मल्टी इंफ्रैक्टरी डेमेंशिया, हाइपोथायराइड डेमेंशिया, ये अल्जाइमर डेमेंशिया या क्या लिखा है, ल्यूली बोली, ठीक है जो भी है, बाहर करो बाहर करो बाहर करो, क्या था भाई अल्जाइमर, सही तो फिर डेमेंशिया होता है, अल्जाइमर की बात क्या होता है, डेमेंशिया होता है, तो सी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है, क्लियर है, चलिए जी चलिए। नैलोक्सन इज यूज टू ट्रीट द ओवरडोज ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, अल्कोहल डाइस, अरे बिल्कुल नहीं, अल्कोहल को क्यों करेंगे आप, अल्कोहल नहीं करना है, क्या करना है, कोकेन, कैनाबिन्स, ऑपियोइड्स, ओपियल का, नैलोक्सन, नेलट्रेक्सोन, ये सारे क्या है, ओपियोइड के एंटीडोट है, क्लियर है, ओपियोइड के एंटीडोट क्या है, नैलोक्सन है, चलिए जी चलिए फटाफट से। अ क्लाइंट टेकिंग लिथियम कार्बोनेट रिपोर्टेड वोमिटिंग, क्या हो रहा है, लिथियम ले रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, एब्डोमिनल क्रैम्स, पेन हो रहा है, डायरी हो रहा है, ब्लड विजन, टीनाइटिस हो रहा है, ट्रीमर हो रहा है, ठीक है, सीरम लिथियम लेवल 2.5 मिली इक्विवेलेंट, तो आपको पता है ये क्या इंटरप्रेट किया, टॉक्सिसिटी नॉर्मल लेवल, स्लाइटली अबव द नॉर्मल या एक्सेस बिलो द नॉर्मल लेवल, देखो तो नॉर्मल लिथियम का लेवल कितना होता है, 0.6 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, ठीक है,
ये आपका नॉर्मल लेवल होता है लिथियम, सीरम लिथियम लेवल नॉर्मल होता है जी, बिल्कुल क्लियर है। हाँ, अब ध्यान रखिए, अब यहाँ पे पूछा कितना दे रहेगा, 2.5 दे रहेगा, तो मैंने बताया था कि दो नॉर्मली 1.2 के अंदर ही रहना चाहिए, ठीक है। बट अगर वो मोर देन 2.5 जा रहा है तो क्या कर रहा है, वो मोर देन 2.5 जा रहा है तो वो टॉक्सिसिटी इंडिकेट कर रहा है, क्या कर रहा है, टॉक्सिसिटी, तो एब्डोमिनल पेन, नोजिया वगैरह सब होगा। बट अगर पेशेंट कोमा में चला जाए, सीजर उसको हो जाए, हाइपरथर्मिया उसको हो जाए, ये सब किस में जाएगा, मोर देन 3.5 में मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में, तो थेरेपेटिक डोज हमेशा 1.2 के अराउंड रहना चाहिए, 1.5 भी नहीं ठीक है, 1.5 से रिकवर होना चाहिए, बट यहाँ पे 2.5 देख लिया तो 2.5 जाता ही है, 2.5 या 2.5 से ज्यादा है, सर 2.5 का बिल्कुल नॉर्मल नहीं मानेंगे इसको, ज्यादा ही मानेंगे, सी स्लाइटली अबव द नॉर्मल, सी अगर देखो सुनिए, यहाँ पे आना सी भी करके आए हैं स्लाइड के, बिल्कुल आपका कहना सही है, पर मैं एक चीज बोल रहा हूँ आपको, 2.5 अगर आ जाता है ना तो वो भी टॉक्सिक लेवल ही है, क्योंकि मोस्टली 1.5 तक, 1.5 से तो कम रहना ही चाहिए, 1.5 से तो कम रहना चाहिए, सब्जेक्ट मास्टर जी सी अगर आप दे रहे हैं ठीक है, आपने अपनी उसमें देखो, हम एग्जाम में कई बार होते हैं तो हमें लगता है कि नहीं ये सही है, क्योंकि हम थोड़ा कॉन्शियसली सोचते हैं, बट बेसिकली देखा जाए तो वो टॉक्सिक लेवल के अंदर ही आएगा, टॉक्सिसिटी के अंदर ही आएगा, 1.5 भी अगर आप कहें ठीक है, बट 2 या 2.5 या 2 है ना, इसलिए मैंने आपको इस तरह से मार्क किया है, ठीक है, इसको चैलेंज नहीं कर सकते, इसको चैलेंज नहीं कर पाएंगे, 2.5 से या 2.5 से ऊपर है या वही है तो आपका टॉक्सिक में ही आएगा, क्लियर है, कोई इशू नहीं है, इशू की कोई बात नहीं है। चलिए जी, तो आपका सी नहीं जाएगा, यहाँ पे ए जाएगा, टॉक्सिक ही कहा जाएगा, नॉर्मल भी नहीं कहा जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं। देखो ये क्वेश्चन काफी बच्चों के गलत हो सकता है ना, मोस्टली बच्चों के हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन ये था स्लाइटली अबव, स्लाइटली का मतलब ही बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर है ना, थोड़ा सा, अगर यहाँ पे HbA1c होता 6.5 होता ठीक है, तो क्या बोलते हैं, डायबिटिक बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, अब वो ऑप्शन में आपको बोलता है प्री डायबिटिक, नहीं डायबिटिक बोलना पड़ता उसको, 6.5 टच हो गया, ठीक है। अगर आप बोलते हो कि सर मैं 1 से 10 तक करूंगा तो 11वां मेरा होगा, ये मतलब नहीं है 10वां आप, 11वां भी आपका होगा, वो मेरा 10वां मैं बोलूंगा सर 10 से मेरा शुरू नहीं, वो 11 से ही, तो यहाँ पे 1.5 बोलते हो तो 1.5 के बाद का मेरा होगा, तो 1.5 भी मेरा हो सकता है यहाँ पे, तो HbA1c कितना 6.5 अगर होता है परसेंट, तो उसको भी क्या माना जाएगा, डायबिटिक माना जाएगा, ठीक है, प्री डायबिटिक में उसको नहीं डाल सकते, क्लियर है, तो इसका स्लाइटली नहीं जाएगा, टॉक्सिक ही जाएगा। चलिए जी आगे चलते हैं, Which of the following is the most important initial clear when the chemical burn? Chemical burn है, chemical से जल गया है, तो क्या करेंगे? Immediate cover करेंगे जी, बिल्कुल cover करना है cover. Chemical से जला है तो cover करेंगे, क्या करोगे उसको? मारोगे क्या? Chemical को हटाना, excessive flushing with the water more than 20-30 minutes, ठीक है? 20-30 minutes तक क्या करेंगे उसको? क्या करना है उसको? बिल्कुल उसको क्या रखना है? वॉश करना है, क्योंकि chemical सारा हटाना उसे है ना? Remove all the dressing for the relaxation, बिल्कुल कोई issue नहीं है इसमें, ये नहीं करेंगे, नॉर्मल बर्न के अंदर करते हैं, कि अगर नॉर्मल बर्न हो जाता है तो कपड़े उसको रिलैक्स कर लेते, खोल देते ताकि इशू नहीं हो, प्रोवाइड द क्लाम एनवायरनमेंट टू पेशेंट, तो हमारा आंसर क्या जाएगा? बी जाएगा जी, बिल्कुल बी इज द परफेक्ट एंड करेक्ट आंसर, नो डाउट, ठीक है। द ऑर्डर, हाँ ये आ गया आपका उस पर ड्रग डोज पे, ड्रग कैलकुलेशन में आ गया, आप क्या क्वेश्चन आया, अभी बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, तो इसमें क्या कर सकते हैं, The ordered dose 40 mg था, the liquid कितना है, the available dose of 40 mg, the available liquid form has the concentration of 20 mg in 5 ml, तो देखिए कितना है, 5 ml के अंदर कितना है, 20 mg, clear है जी, बिल्कुल 5 ml 20 mg है, तो आपको कितना desire कितना है, लेना कितना है 40 mg, ठीक है, तो 1 ml में कितना होगा, 1 ml में कितना होगा, ठीक है, तो 1 ml इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 mg, ठीक है, तो 40 mg के लिए कितना देना पड़ेगा, 10 से गुणा कर लो, कितना हो गया 40 mg, तो क्या आंसर होगा आपका, बी है ना, 10, बिल्कुल, तो 10 ml करेक्ट आंसर होगा, ठीक है इसका, बिल्कुल वेरी गुड सब्जेक्ट मास्टर जी, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, ऐसे ही मचाते रहो, इंडिया टीम की तरह चौके छके लगाते रहो, सिलेक्शन पे सिलेक्शन पाते रहो, मीठे के डब्बे भिजवाते रहो, बहुत ही अच्छी बात है, चाबा। चलिए, व्हाट आर द टर्म यूज्ड फॉर हाई पिच म्यूजिकल साउंड, आज ही बता रहा था, एडवेंटिशियस लंग साउंड, ठीक है,
क्राउनिंग, अरे भाई कहाँ क्राउनिंग ले आया, विजिंग है, स्ट्राइडर है, शाही है, ठीक है। तो विजिंग पता है यार अस्थमा के अंदर, जहां पे जब भी ध्यान रखना, जब भी क्लियर कर देना, जब भी हमारा जो एरिया है, एयरवे है, जो कॉन्स्टिट्यूट हो जाए तो सिटी मार होगा। कैसा सिटी मार? बिल्कुल सिटी बजेगी, म्यूजिकल विजिंग साउंड होएगा, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्टेड के साथ क्या हो जाए, कॉन्स्ट्रिक्टेड के साथ क्या हो जाए, फ्लूड भी अंदर आ जाए, सिक्रेशन आ जाए, म्यूकस आ जाए, तो क्या हो गए, रोंकाइज होंगे। क्या होंगे? रोंकाई, ठीक है, रोंकाई होंगे, यानी स्नोरिंग टाइप साउंड आएगा, ठीक है। स्ट्राइडर कब आता है? स्ट्राइड एपिग्लोटिस का जब भी इन्फ्लामेशन हो जाता है, एपिग्लोटिस हो जाता है, उस समय स्ट्राइडर आता है, यानी स्नोरिंग साउंड साउंड आता है। क्रेकल्स कब आएंगे? फाइन क्रेकल, कोरस के वो कब आएंगे? हार्ट फेलियर के अंदर आएंगे। मर्मर साउंड कब आएगा? मर्मर साउंड आएगा, हमारा मेट्रियल वाल का स्टेनोसिस हो जाएगा तब आएगा। क्लियर है ना? तो स्टेनोसिस इसमें क्लियर हो गया आपको? बिल्कुल, विजिंग हो गया, क्रेकल्स हो गया, सही हो गया, सारे हो गए, चलो कंप्लीट। चलिए आगे चले, चलिए चलिए। द ब्रेन डेथ ऑल आर सीन एक्सेप्ट, अब ब्रेन डेथ हो गया भाई साहब के, डायबिटीज इंसिपिडस, एपनिया, कॉन्स्ट्रिक्टेड पिपिल, पल्स रेट बहुत ही ज्यादा बचे, आप इसका आंसर क्या करके आपका करेक्ट आंसर बता दीजिए, फिर मुझको मजा आ जाएगा। इसका आंसर अगर आपको सही है तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है। फटाफट से बता दीजिए इसका आंसर क्या करके आए, इस क्वेश्चन का आप क्या आंसर करके आए, क्या आए हैं ये, क्या करके आए हैं, फटाफट से बता दीजिए। क्या करके आए हैं फटाफट से आंसर कर लीजिए, देखिए ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा सोचना नहीं है। क्या करके आए? डायबिटीज इंसिपिडस करके आए कि नहीं आए, करके आए कि नहीं है डायबिटीज इंसिपिडस? अब यार डेथ पेशेंट के अंदर डायबिटीज इंसिपिडस सर कहाँ होता है ये पूछ रहे हैं। अरे क्यों नहीं होता यार, एपनिया बिल्कुल, चलो ये ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्टेड पीपल होती है, डायलेटेड पीपल होती है, डायलेटेड होती है ना भाई, कॉन्स्ट्रिक्टेड क्यों करके आ गए? पल्स रेट एनी अनरिस्पॉन्सिव टू एट्रोपिन, बिल्कुल एट्रोपिन लगाओ, जितना लगाओ, धमाधम लगाओ, 0.1 0.2 कुछ भी लगाओ सब ठीक है। एपनिया है, एपनिया कर गए हो, 100 ग्राम मिठाई कम करनी पड़ेगी फिर लग रहा है। एपनिया क्यों कर गया? डेथ के बाद पीपल क्या हो जाती है? डायलेटेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसका कंट्रोल खत्म, तो ब्रेन कहाँ का कंट्रोल? डायबिटीज इंसिपिडस क्यों होगा? अब देखो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, वो फंक्शन क्या हो जाएगा उसका? लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा ना, ब्रेन डेथ हो गया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी काम नहीं करेगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। पोस्टीरियर काम नहीं की तो वेसोप्रेसिन कहां से आएगा? वेसोप्रेसिन नहीं आएगा तो आपका फ्लूड क्या होगा? रिटेन होगा? नहीं होगा, फ्लूड लॉस होगा, तो डायबिटीज इंसिपिडस रहेगा। कौन सा डायबिटीज इंसिपिडस रहेगा? सेंट्रल, कौन सा रहेगा? सेंट्रल रहेगा। ज्यादा सोचना नहीं, डायलेटेड करके आना था, इट्स ओके, अब यहां सॉरी बोलने से कोई इश्यू नहीं है। देखिए गलतियां होती है, हमसे भी हुई, आपसे भी होती है, होती रहेंगी, बट हमें क्या करना है, ऑब्वियस हमेशा क्या करना है कि हमें फोकस रखना है कि हम करेक्ट आंसर ही करके आए, ज्यादा गलत नहीं जाना है, ठीक है। तो अपने अपने सब ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड पीपल हमारे सामने, देखो एग्जाम में जाना रैपिड टाइम, विराट कोहली की तरह तो नहीं, रोहित शर्मा की तरह जाना है, धमाकेदार। एपनिया टेस्ट होता है, ब्रेनडेड, इट्स हाँ एपनिया टेस्ट होगा मेरे भाई, पर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड पीपल था तो करना है कॉन्सेंट्रेटेड पीपल, ठीक है। डायलेटेड पीपल होता, यहाँ पूछा था, एक्सेप्ट पूछा है यार, एक्सेप्ट पूछा है, एपनिया ठीक है होता है तो सही बात है, ये सब होते हैं, ये नहीं होता है, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन को गलत से ट्रैक किया आपने, क्वेश्चन गलत पढ़ा है, सब्जेक्ट मास्टर जी मास्टरी बहुत अच्छी बात है मास्टर जी। देखिए इसमें क्या कॉन्स्ट्रिक्टेड पीपुल नहीं था, अगर होता डायलेटेड पीपुल तो हम सही जानते, एक्सेप्ट पूछा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? डायलेटेड पीपुल होना चाहिए था ना, एपनिया तो होता है, बिल्कुल एपनिया होता है, गलत पढ़ लिया ना क्वेश्चन, देखो गलत नहीं पढ़ना था। ओ अब ठीक है, इट्स ओके फाइन, चलिए। तो अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैं आपको 2 मिनट यहाँ पर रुकवाया। अरे ये क्वेश्चन, एट्रोपिन सल्फेट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इंडिकेटेड इन ऑल एक्सेप्ट पूछा है, वन ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग एंड, अ क्लाइंट विद हाई ब्लड प्रेशर, अ क्लाइंट विद द बोवल ऑब्स्ट्रक्शन, अ क्लाइंट विद द ग्लूकोमा, अ क्लाइंट विद द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। एट्रोपिन सल्फेट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ऑल एक्सेप्ट, एट्रोपिन सब में दे सकते हैं एक्सेप्ट किसमें नहीं देना है? देखिए हाई ब्लड प्रेशर, देखो एट्रोपिन क्या होता है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एट्रोपिन क्या होता है? एंटीकोलिनर्जिक होता है। क्या करता है एट्रोपिन? क्या करता है हमारा क्या करता है ये? एसिटाइलकोलाइन होता है, एसिटाइलकोलाइन की जो रिसेप्टर उसको क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा, क्लियर है। तो जितने भी एंटी
कोलिनर्जिक जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो देखो हमारा मेनली क्या करता है, ब्रेडीकार्डिया को क्या करता है, इंक्रीज करता है ना, हार्ट रेट को इंप्रूव करेगा, ब्लड प्रेशर को भी क्या करता है, इंप्रूव करता है। तो देखो हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को तो बिल्कुल नहीं जागे, ठीक है। तो इसके बाद अ क्लाइंट विद द बोवल ऑब्स्ट्रक्शन, बोवल ऑब्स्ट्रक्शन वाले क्लाइंट को दोगे, है ना, जैसे हम, हाँ ये बिल्कुल इलियस, जैसे ना हमारा जो पेशेंट आता है इलियस का आता है ना, एब्डोमेन सर्जरी में जो इलियस हो जाता है उसमें भी नहीं देते, तो ऑब्स्ट्रक्शन वाले को भी नहीं देंगे, क्योंकि क्या करेगा, ठीक है, तो इंक्रीज करेगा तो इसमें भी नहीं देंगे। यहाँ पे ग्लूकोमा दे रखा है, अब यार देखो ओपन एंगल जो होता है उसके अंदर दे सकते हैं, क्लोज एंगल के अंदर नहीं देते हैं ना। तो आंसर यहाँ पे देखो सी मान सकते हैं या मे बी अब यार डी भी मान सकते हैं, तो मेरे हिसाब से डी होगा। अगर सी मानता है तो उसका फिर मैं कह नहीं सकता, क्योंकि यूटीआई के, हाँ यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर नहीं देंगे, बट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर क्यों नहीं देंगे, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर तो दे सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर तो वैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो बट हम यहाँ पे किसके साथ जाएंगे, सी के साथ ही जाएंगे एक बार के लिए, सी के साथ जाएंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है, तो सी को एक बार मार्क करके चलेगा, क्योंकि मे बी डी हो सकता है, बट आई एम गोइंग विद द सी। सो सी अगर आपका है तो ठीक है, बट ग्लूकोमा के अंदर भी नहीं देते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, इट्स ओके, चलिए जी आगे चलते हैं। नर्स शुड रिकॉग्नाइज दैट द फ्लूइड शिफ्ट द क्लाइंट विद बर्न इंजरी, फ्लूइड शिफ्टिंग देखनी है, रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सर्कुलेट होल ब्लड, टोटल वॉल्यूम इंट्रावास्कुलर प्लाज्मा, परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरी वॉल्स और परमेबिलिटी ऑफ द किडनी ट्यूब, किडनी ट्यूब्स का भी छोड़ो, सब छोड़ो यार, परमेबिलिटी का कैपिलरी देखनी है, फ्लूइड शिफ्ट कैपिलरी के थ्रू तो होगा, सबसे प्राइमरी बेसिक कौन सी यूनिट होगी, है ना, आर्टरी आर्टरियोल्स करके सब प्लाज्मा कैपिलरी रहते हैं, परमेबिलिटी कैपिलरी की चेक करनी है, क्लियर है, चलिए जी चलिए। अ हस्बैंड कम फ्रॉम द होम आफ्टर द बैड डे एट द वर्क, यस एट द वाइफ एंड ही इज एग्जांपल ऑफ द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस मैकेनिज्म, आज कहीं जनों का पेपर खराब हुआ है, घर जाके बीवी को पत्नी को गुस्सा करा है, तो वो क्या है, सी है क्या, डिस्प्लेसमेंट डिनाइल किया होगा, तो सर मेरा पेपर खराब हो ही नहीं सकता, मेरा पेपर खराब हो नहीं सकता, या रिप्रेशन रहा था, या रेशनलाइज तो सब बच्चों ने दिया होगा, अरे गजब पेपर आया था पर मैं पढ़ के नहीं गया, मैं गलत जगह से पढ़ रहा था यार, मजा नहीं आया, क्या करके आया यार, है ना, या डिस्प्लेसमेंट में धो तो नहीं दिया किसी को, चाय वाले को धो दिया या फिर ऑटो वाले को धो दिया, कुछ नहीं करना था, डिस्प्लेसमेंट नहीं करना था, तो यहाँ क्या कर रहा है, येल कर रहा है वो, येल ले, है ना, चिल्ला रहा है वाइफ पे, तो वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, अपना डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है, जिसका पेपर खराब है डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल ना करें, डिनाइल तो करें ना, हो गया जो हो गया, इट्स ओके, रेशनलाइजेशन करने से कोई मतलब नहीं है, क्या करना है, ओढ़ के सो जाना है, कल से फिर से शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे की क्लास रेगुलर लेनी है, और ज्यादा कुछ नहीं करना है, जी बिल्कुल, रेशनलाइजेशन क्यों करेंगे, सी, यस सी जाएगा, चलिए चलिए। अ मेन डायग्नोस्टिक विद द यूरेमिक सिंड्रोम हैज द पोटेंशियल टू डेवलप कॉम्प्लिकेशन, यूरेमिक सिंड्रोम है, ठीक है, हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम जिसको बोला जाता है, किडनी से रिलेटेड है, किडनी और क्लॉटिंग ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है, विच ऑफ द अमंग फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन शुड बी नॉट एंटीसिपेटेड, फ्लैपिंग हैंड ट्रीमर, एलिवेटेड द हीमोटोक्रिट लेवल, हाइपोटेंशन या हाइपोकैलेमिया, ठीक है, यूरेमिक सिंड्रोम आपने देखा होगा लिवर सिरोसिस के अंदर यूरेमिक सिंड्रोम हो जाता है, तो फ्लिपिंग हैंड ट्रीमर करेक्ट आंसर बैठेगा, बाकी सब ठीक है, ज्यादा तेल लेना, हमारे एक ही साथ हम चलेंगे, पर ये जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, तो ये आपका पूरा पूरा पेपर हो चुका है, जो हमारा क्या था, बाबा फरीद हेल्थ यूनिवर्सिटी का पेपर था, जो बहुत ही शानदार जबरदस्त आया था, जो क्वेश्चन पढ़ा है, जो क्वेश्चन बताए सारे आए आपके साथ, हम सभी ने अच्छे से मेहनत की, आई होप आपने भी बहुत अच्छे से मेहनत करी होगी, ये पेपर था, ज्यादा कुछ नहीं था, अच्छा था, इट्स ओके, अगर किसी का पेपर अच्छा नहीं गया इट्स फाइन, बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर, तो कोई इशू नहीं है, अगर आपका पेपर थोड़ा सा 19-20 हुआ कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 140 क्वेश्चन आए थे, जितना हमसे वो होता हमने किया, जितनी मेहनत कर सके कर ली, कोई इशू नहीं है, आगे से फिर से एग्जाम आएंगे, उन सबके लिए रेगुलर जुड़ना है, डेली टेस्ट हो रहे हैं, टाइगर टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन नहीं किया तो डेली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको प्रोमो कोड यूज करना है SCVIP, अगर आप यूज करेंगे आपको मिलेगा 20% फ्लैट डिस्काउंट आपको मिलेगा, और लक्ष्मण सर का भी आप यूज कर सकते हैं LCVIP, ठीक है, अगर वो यूज करेंगे तब भी आपको प्रोमो कोड में आपको 20% ऑफ मिलेंगे, जी बिल्कुल, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, प्रैक्टिस करना, दबा के प्रैक्टिस करो, दबा के नंबर लाओ, सिलेक्शन आपकी प्रायोरिटी है, हमारा प्रायोरिटी आपका सिलेक्शन, ठीक है, दिवाली से पहले धमाका मचाना है, नोट सेट सेवन अब जो आ रहा है, जी बिल्कुल, नोट सेट सिक्स में, हाँ इतने नोट सेट आ रहे हैं, अब याद भी नहीं रहना, इधर रोज रोज नोट सेट आ रहे हैं ना, इतने एग्जाम है, सुनो के सब आ रहे हैं,
चलिए जी ठीक है, तो वाइंड अप करते हैं इस क्लास को। थैंक यू सो मच आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से बने रहिएगा और रेगुलर साथ में जुड़े रहेगा। डेली शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे हमारी लाइव क्लास रहती है प्रीवियस पेपर पे। इसके अलावा हमारा एमसीक्यू बैच शुरू हो चुका है 4 तारीख से, अगर अभी तक आप नहीं जुड़े कोई इशू नहीं, जुड़ सकते हैं। अगर रेगुलर कोर्स परचेज करना है वो भी अवेलेबल है, सारा ही आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा वहां पे आपको मिलेगा केरोसा एकेडमी जोधपुर का ऐप 2.0 की बताए, क्योंकि कुछ स्पेशल है उसमें, कुछ अच्छा है, कुछ नया है, कुछ शानदार है, सारा ही कंटेंट है, बहुत ही अच्छा कंटेंट है, आप सभी के लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है। फैकल्टी एक्सपर्ट है, जोधपुर एम्स की है, सोचना ही नहीं है, डाउट रखना ही नहीं है, विश्वास करना है, भरोसा करना है खुद पे और अपने विश्वास पे, अपने आप पे। बने रहिए, थैंक यू सो मच आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। कीप इट अप।